गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत और मेरे साथ हैं मेरे मित्र स्वदेश कुमार अग्रवाल। तो आज हम लोग गुरुनीति का 37वां एपिसोड लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इससे ठीक पहले हम लोगों ने ईएमआई के दो आपको दिए थे एपिसोड, ईएमआई फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमने करीब करीब 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया था। और आज हम ले रहे हैं टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। और क्यों स्वदेश सर, टॉपिक बहुत सिंपल है। ये टॉपिक काफ़ी सिंपल भी है और नीट में हर बार एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम थोड़े से क्वेश्चन इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस आसानी से करके हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर यहाँ से हम सीख सकते हैं और हमारा जो नीट में क्वेश्चन आने वाला है उसको बड़ी आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अल्टरनेटिंग करंट में जैसे अपन बात करेंगे तो सबसे पहले जो अपना पहला क्वेश्चन है उसमें देखें आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द डीसी एमीटर बिकॉज। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे अपन करंट को मेजर करते हैं तो बेसिकली जैसे अपने पास जो एमीटर होते हैं या वोल्टमीटर होते हैं, एक तो आपके पास होता है एसी एमीटर, दूसरा होता है आपका डीसी एमीटर। तो जो एसी एमीटर और डीसी एमीटर होते हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, आपको मालूम है कि एसी एमीटर है वो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है और हीटिंग इफेक्ट करंट बेस्ड होता है, और डीसी एमिटर है वो आपका बेस्ड होता है एक तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी करंटिंग वायल को अपन रखते हैं किसी मैग्नेट के अंदर, उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें टॉर्क अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई करने से रोटेट करती है और वहां से उसका डिफ्लेक्शन आता है, उस वर्किंग प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी एमिटर जो होता है ये हमेशा रीड करता है Average value of current, उसको ये आपका रीड करेगा। बिल्कुल सर। जबकि हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसकी एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल ये हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। बिल्कुल। तो एवरेज वैल्यू जो होती है हमारे पास में फॉर अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल ये बच्चों कितनी होती है हमारे पास में, जीरो। तो इस वजह से अगर हम डीसी एमीटर यूज करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें इसकी रीडिंग या नहीं दिखाई पड़ेगी या हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। और जो एसी एमीटर है वो क्या रीड करता है, आरएमएस वैल्यू, वो आई आरएमएस है वो रीड करेगा। तो ये दोनों का बेसिक आपका प्रिंसिपल के बेस पे आपको ध्यान दे रहा है कि डीसी एमीटर पड़ेगा एवरेज वैल्यू, एसी एमीटर पड़ेगा आपका आई आरएमएस वैल्यू। एसी एमीटर जो है इसके हेल्प से हम लोग एसी डीसी दोनों को सिमिलरली मेजर कर सकते हैं, जबकि डीसी एमीटर से केवल हम डीसी को ही मेजर कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बढ़िया सर। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट में, तो अगला क्वेश्चन आप पे है, देखो। एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आर एम एस वैल्यू 10 एम्पियर इज पास थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर 12 ओम रजिस्टर The maximum potential difference across the resistor is, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बेसिक एलिमेंट आप ले रखे हैं और रेजिस्टेंस ले रखा है सर, तो हमारे पास इसमें आई आर एम एस जो है वो दे रखा है हम लोगों को 10 एम्पियर और जो दे रखा है रेजिस्टेंस जो है वो है वो आपका है कितना 12 ओम दे रखा है। और इससे हम लोगों को पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी आपको वोल्टेज का पूछा है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कितना रूट टू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, और हमारे पास आई आर एम एस और आर है तो इसको अपन ऐसे कर देंगे सर जी कि आई इंटू आर, और आई भी कौन सा आपका आई आर एम एस, तो ये वी आर एम एस की वैल्यू आपकी बन गई और इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमारा काम तो बन गया देखो, तो रूट टू इंटू आई आर एम एस है सर जी 10 और ये आपका है 12, तो 120 इसको 1.41 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 169.60 वोल्टेज हमारे पास में मिल जाएगा। बिल्कुल, ये आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर अपन। यस सर। तो सर देखिए क्वेश्चन का, इसको इफ ई इज इक्वल टू 100 sin 100t वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 100 sin 100t प्लस पाई बाय 3 मिली एंपियर आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, then the RMS value of voltage and current are respectively. तो बच्चों हमें यहाँ पर जो voltage और जो current दे रखे हैं इनकी हमें instantaneous values दे रखी हैं और हमें जो निकालना है वो निकालना है RMS value of voltage और इनके current की value निकालनी है।
तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में इक्वेशन होती है करंट की, वो होती है हमारे पास में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये होती है हमारी पीक वैल्यू, यानी हमें आई की ये पीक वैल्यू दे रखी है, मतलब ये हमें आई नॉट दे रखा है, और वोल्टेज की भी ये पीक वैल्यू दे रखी है, मतलब ये हमें ई नॉट दे रखा है। तो अब हमारा काम काफी आसान हो गया है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यूज निकालनी है। तो आई आरएमएस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो होगी आई नॉट यानी इसकी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू। आई नॉट हमारे पास कितनी है बच्चों, आई नॉट हमारे पास है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय रूट टू। और जैसा कि अगर हम इसकी यूनिट की तरफ ध्यान दें तो ये किस में निकलेगी, मिली एम्पियर में निकलेगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आती है 70.7 मिली एम्पियर। अब इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालूं, यानी ई आरएमएस वैल्यू निकालूं, तो ई आरएमएस वैल्यू बच्चों हमारे पास में हो जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू भी हमारे पास वही 100 है, यानी सही आंसर हमारे पास आने वाले हैं। और इसकी यूनिट देखिए, एक तरह इसकी यूनिट है वोल्ट में, तो हमें वोल्ट में ही मिलेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय रूट टू, यानी इसकी वैल्यू भी वही आएगी 70.7 वोल्ट। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें एक आप ध्यान रखें हमेशा कि जो रूट टू रूट थ्री इनकी वैल्यू हमको याद रहनी चाहिए, और 1/√2 और 1/√3 नीट के स्टूडेंट्स को ये चार जो डाटा है वो हमेशा याद रहने चाहिए 24 आवर्स। तो रूट टू आप जानते हो कितना होता है 1.414, रूट थ्री आपका होता है 1.732, और 1/√2 आपका होता है 0.707, और 1/√3 आपका होता है 0.566। ये चारों डाटा आप हमेशा याद रखें, जिसके की यूज आपके हमेशा देखो मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखा ना 1/√2 था, तो 1/√2 कितना 0.707 है, उसको जैसे अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 70.7 आ जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन ये है कि द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई गिवन बाय इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी इज 10 वोल्ट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एट टाइम टी इक्वल टू 1/600 सेकंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज। तो देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे। हमें इसकी वोल्टेज की ईएमएफ वैल्यू दे, हमें ईएमएफ वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखें तो वो होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट कोस ओमेगा टी, ये हमें बच्चों दे रखा है। इसके साथ में ही जो हमें डेटा दे रखा है वो दे रखा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है, वो हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो अगर मैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने को देखूंगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यानी 2π इंटू 50, या इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 100π। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम की वैल्यू बच्चों हमें कितनी दे रखी है, टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है 1/600 सेकंड। तो हमें क्योंकि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जिसको हमें इस टाइम के ऊपर निकालना है, तो बस सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमें दे रखी है ई नॉट 10 वोल्ट, और ई नॉट की जगह हमारे को यहाँ 10 वोल्ट दे रखा है, तो हम उसको अगले स्टेप में रिप्लेस कर देंगे। ओमेगा की जगह हमारे पास में क्या हो जाएगा 2πf, और यहाँ पर आ गया टी। तो बच्चों ये देखिए ई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 वोल्ट कॉस 2πf की वैल्यू, जैसे कि 2πf की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 100π रख देता हूँ, और टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 100π, और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/600। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा पाई बाई सिक्स, तो 10 × π/6 कॉस पाई बाई सिक्स मतलब √3/2, तो ये 5, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 5√3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है ना सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज 10 वोल्ट देन द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, तो आपको दे रखा है ओनली वैल्यू ऑफ, तो एक तो आपको हमेशा मालूम होता है कि एसी सर्किट के अंदर जो भी वैल्यू जिस पे कुछ लिखा नहीं होता है, कुछ डिफाइन नहीं होता है, वो हमेशा कौन सा आरएमएस वैल्यू हुआ करता है। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, इसका मतलब 10 वोल्ट आपका कौन सा आरएमएस वैल्यू है। पर आपसे पूछा है पीक वैल्यू, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया,
तो V नॉट आपको निकालना है, V नॉट तो आपको मालूम है कितना, रूट टू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, तो ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, देखो 10 रूट 2 वोल्ट इसका आंसर आ गया, तो सेकंड इसका आंसर है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आ गए साहब, अगला क्वेश्चन अपना देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वल टू 200 वोल्ट, देखो अपने क्वेश्चन है ये, E बराबर 200 साइन 100 t, ये आपको दे रखा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अभी करें इस अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R, R दे रखा है 30 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 400 मिली हेनरी, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, तो हमको इसमें दे रखा है एक तो रेजिस्टेंस, वो दे रखा है हम लोगों को 30 ओम, ठीक है साहब। अब दूसरा देखो इससे एक तो अपन ये देखें हमारे पास ओमेगा जो है वो हमारे पास है कितना 100, आपको निकालना है इसमें पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपको मालूम होता है, होता है कॉस फाई होता है। अब कॉस फाई जैसे अपन बनाते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल, तो इस इंपेडेंस ट्रायंगल में हम लेते हैं यहां रेजिस्टेंस, ये आपका होता है एक्स और ये होता है आपका जेड और ये हमारे पास एंगल इसका है फाई, तो कॉस फाई वैसे हुआ कितना आर वाई जेड, इसका मतलब हम लोगों को जेड यहां पे निकालनी पड़ेगी, आर तो पता है जेड आपको निकालनी पड़ेगी, तो अगर इसी से अपन देखें तो आर जैसे आर तो हमारे पास आर है और इसको लिखें कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स एल अगर मिल जाएगा तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसमें देखो हमारे पास ओमेगा कितना है 100 और दूसरी बात ये हमारे पास है एल दे रखा है, तो इसको पहले पर निकाल लेते हैं एक्स एल को जो है ओमेगा इंटू एल, तो देखो 100 इंटू ये हमारे पास है 400 मिली हेनरी, जिसकी 10 की पावर 3 पावर को मैं इससे कर दूं कैंसिल, तो ये हमारे पास देखो हो गया 40 ओम हो गया। अब बिल्कुल एकदम एस्टैब्लिश वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, आर हमारे पास है 30 ओम, एक्सएल हमारे पास है कितना 40, तो इसके 30 होने पर और इसके 40 होने पर ये हो गया आपका 50 ओम, अगर ये 30 है ये आपका 40 है तो ये होता है 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर मतलब 50, तो आपका हुआ 30/50, 30/50 मीन हो गया 3/5.6, तो इसका आपका आंसर हो गया फोर्थ, फोर्थ सर आपकी कर दीजिए। बिल्कुल सर, जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.6 ओम, जेड नहीं सर ये अपने पावर फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें तो अपने लिखने में दिक्कत है, कोई समस्या नहीं इसमें, ये अपना हो गया cos 5 पावर फैक्टर है वो 0.6, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें कोई तरह रहता है, ये गलती कोई अपने कोई साहब ने सिखाने में सब बच्चा अच्छे से बताया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन, सर इसको देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल जो हमें क्वेश्चन दे रखा है द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू यानी आईआरएमएस एंड पीक वैल्यू आई नॉट इन एसी सर्किट इज, तो ये तो बड़ा वेल नोन हमारा रिलेशन है और हम कई देर से इसको यूज भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको ये बस देखते ही सीधे आपकी निगाह वहीं अटकी होगी कि हमारा जो रिलेशन है ये सिंपल क्या है, आई आर एम एस किसके बराबर है आई नॉट बाय रूट टू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमें याद होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधे सबसे पहले हमारी निगाह यही अटकेगी, तो काफी आसान क्वेश्चन है ना सर। यस यस, तो बढ़े आगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखें आप, ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वीटी is equal to V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor, तो किसी ने कह रहा है कि किसी ideal capacitor पे हमने कोई voltage AC है वो apply कर रखा है, तो उस condition में ये जो current वगैरह है power है वो किस तरह से इसमें होती है उन पे हमको question पूछा जा रहा है, तो इसकी थोड़ी सी basic अपन detail आपको बता देते हैं। जैसे अब जो इसको आप जब class में पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ते पूरा आपका थ्योरेटिकली पोर्शन आपने कर रखा है, क्वेश्चंस भी आपने कर रखे हैं, पर नीट के समय जब आपको तुरंत एग्जाम हॉल बैठे और आंसर क्लिक करना होता है तो वहां हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमने पढ़ते से बनाया था वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, तो इसमें जैसे मैं कुछ बातें आपको सिखाऊं, जैसे आप बात करते हो ओनली आर, बेसिक एलिमेंट अपन यूज करते हैं तो ओनली आर जो है उसके बारे में और ओनली जो आपका एल है उसके बारे में और ओनली जो आपका कैपेसिटर है सी, जब हम इनको एसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो उस केस में देखो जो ओनली आर है तो आर की टेंडेंसी क्या होती है, आर हमेशा ही चाहता है कि करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में बने रहे, ये इसकी विशेषता होती है, जब जब एक अपना रूप दिखाएगा तब तब ये चाहेगा कि करंट और वोल्टेज कैसे सेम फेज में है, यानी फेज डिफरेंस को हमेशा जीरो बनाए रखना चाहेगा या कम से कम करना ही चाहेगा, अगर मान लो अपन आर को एल के साथ भी ऐड करेंगे आर को अपन सी के साथ ऐड भी करेंगे तो ये अपना प्रभाव जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमेशा फेज डिफरेंस को जीरो की तरफ या कम करने का प्रयास करेगा, इसकी टेंडेंसी है। अब बात करते हैं अपन ओनली एल, तो ओनली जो एल है अगर मान लो ओनली एल आप लगा रखे हैं तो ओनली एल जब लगाते हैं
तो देखो इसको अपन मारवाड़ में कहते हैं, एल का मतलब होता है लारे, लारे मतलब पीछे होता है, बिल्कुल। तो इसमें मेनली आपको ध्यान रखना करंट, करंट को फिक्स कर दो आप, और करंट के बारे में आपको ध्यान रखना, यहाँ करंट वोल्टेज सेम है, सेम फेज में, यहाँ करंट कैसी है, एल से मतलब लारे है पीछे, करंट लारे कितना लारे है सर, 90 से लारे, ये फिक्स होता है। और कैपेसिटर देखो यहाँ सी ए, कैपेसिटर करंट अहेड, कैपेसिटर में आप इसको याद कर सकते हो, सी मतलब करंट, ए से मतलब हो गया अहेड आगे, कितने से 90 से आगे, तो अब सब में अपना कॉमन आ गया, इसमें करंट वोल्टेज सेम फेज में है, यहाँ करंट आपका एल से मतलब लारे है, और लारे पे कितने 90 से लारे हो जाएगी, और इसमें करंट कैसे आपकी है ए से मतलब अहेड मतलब आगे होती है। तो ये थोड़ा सा फिक्स होने के बाद अब देखो यहाँ पे दोनों के साथ होने पे इसका जो फाइव फेज डिफरेंस होता है वो आपका जीरो हो गया, यहाँ फेज डिफरेंस कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है 90, अगर उसको अपन साइन के साथ लेते हैं ये आपका प्लस होता है, यहाँ होता है आपका माइनस, ये आपने ढंग से पढ़े होते हैं। अब देखो जो पावर फैक्टर अभी अपन कर रहे थे तो वो तो कोस फाइव होता है सर जी, तो कोस फाइव जो है आपको मालूम है यहाँ तो जीरो है तो मैक्सिमम हो गया, तो ओनली आर जब यूज करते हैं या आप पढ़ते हो तभी मैक्सिमम, जो आपका एल सी आर रेजोनेंस कंडीशन जब होती है वहां पर भी अपन पढ़ते हैं कि कोस फाइव होता है मैक्सिमम, और वहां पावर लॉस होता है सर्किट का मैक्सिमम करता है, तो ओनली प्योर आर हो या एल सी आर रेजोनेंस कंडीशन वहां पावर फैक्टर हमेशा आपका मैक्सिमम होता है, और वहां पावर भी आपकी सर्किट में कंज्यूम होती है मैक्सिमम। ठीक इसी प्रकार से अपन देखें तो जो आपका L और C जब हम लेते हैं, ओनली L लेते हैं या ओनली C लेते हैं या L C का कॉम्बिनेशन, फिर सुन लीजिएगा, ओनली L, ओनली C या L और C का कॉम्बिनेशन, तो इनकी प्रेजेंस में हमेशा फेज डिफरेंस कितना आएगा, प्लस माइनस 90 के बीच में आएगा भाई, या तो प्लस 90 या फिर कौन सा माइनस 90 होगा, या तो प्लस 90 या फिर माइनस 90 होगा, XL बड़ा XC है या अकेला होता, और ऐसे केस में अगर 90 अपन यूज करेंगे तो पावर फैक्टर कितना आएगा, जीरो, लॉस ऑफ पावर हमेशा नहीं होगा। अब अपन देखते हैं इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, ये कह रहा है कि सी वाले में करंट लैग्स, नहीं साहब करंट तो अहेड होती है, अहेड होता है, सी ए करंट इज अहेड, अहेड होता है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बिल्कुल। सेकंड कह रहा है कि ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज, बिल्कुल ठीक है, पावर फैक्टर से कितना जीरो हो गया, बिल्कुल, इसका मतलब सर्किट से कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं लेता है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, ये तो स्टोर करता है एनर्जी को, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एल सी तो एसी सर्किट में पढ़ते हैं तो वहां आर का रोल है क्या, आर तो एनर्जी को लॉस करता है, एल और सी एनर्जी को आपके स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, उनका कोई काम नहीं वहां पर। तो फिर देखिए अपन अगला इसमें थर्ड, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, नहीं ये तो रेजोनेंस में होता है, डिस्टेंस में या एलसीआर सर्किट, एलसीआर में वो भी रेजोनेंस कंडीशन में होता है। और फिर कह रहा है करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री, नो, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। तो क्वेश्चन वैसे ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से आप ट्रीट करेंगे। तो बड़े सर आगे, जी सर, हाँ तो सर अपन क्वेश्चन पहुंच गए 9th में, जी तो सर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ एलसी सर्किट इज, तो हम जानते हैं कि जो एलसी सर्किट है उसमें एक इंडक्टर और एक हमारे पास में कंडेंसर है या कैपेसिटर है, और इनके लिए अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो L के लिए लिखते हैं हम XL और C के लिए लिखते हैं हम XC, और अगर हमें LC सर्किट दे रखा है तो ये हम इक्वेट कर देंगे, XL हमारे पास में होता है ओमेगा इनटू L और XC हमारे पास में होता है 1 ओमेगा C, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 LC, इसका मतलब है कि ओमेगा हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगा, 1√LC, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा होता है वो होता है 2π/ टाइम पीरियड, ये किसके बराबर है, रूट ऑफ एल सी, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड की वैल्यू है हमारे पास में वो हमारे पास में आ जाएगी, सॉरी 1√LC, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2π√LC, बिल्कुल, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, बिल्कुल सर फोर्थ आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस जो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो नीट के अंदर इसमें देखो, एक तो ये क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हो गया, आपके आपसे आवर्तकाल पूछ सकता है या इसके आवर्ती पूछेगा तो इसके ऊपर 1/2 कर देंगे, 1/2 2π√LC कर देंगे, या डायमेंशन में पूछे, देखो अभी जैसे अपन सॉल्व किया तो 2π√LC टाइम को शो करता है, तो सेकंड इसका इनवर्ट होना चाहिए क्यों सर, बिल्कुल सर, और इसका अपन लिखिए 1/2π√LC तो क्या हो जाना चाहिए, सेकंड इनवर्स। अब देखो यहीं से दो तीन क्वेश्चन आपके में और आपको सिखा दूं, जैसे एक होता है आपका RC, एक होता है आपका L/R, एक है √LC, तो RC जब हम पढ़ते हैं तो ये होता है आपका समय नेतांक, आप पढ़ते हैं RC DC सर्किट, तो ये आपका टाइम कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हिंदी में समय नेतांक, जो कि रेडियो एक्टिविटी में एक तरह से माध्य आयोग के तुल्य होता है, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार से जो आपका एल आर डी सी परिपथ होता है उस एल आर डी सी का भी ये समय नेतांग है, बिल्कुल, ये भी टाइम कॉन्स्टेंट होता है। जब ये टाइम कॉन्स्टेंट है, ये भी टाइम कॉन्स्टेंट है, और इसको भी अपन ने पढ़ा है 2π, इसको मैं लगा दूं 2π, तो 2π करते ही आपका आवर्तकाल हो गया ना। तो अगर देखो इसमें यहां पर इसको अपन यूं करें, इसको मैं यहां से उड़ाता हूं, मान लो इसको अपन यहां से कर दें रिमूव, तो ये किसके समय के तुल्य हो गया, ये भी किसमें समय के तुल्य है। तो इसके मात्रक हमसे पूछे तो इसका मात्रक कितना आएगा सेकंड, इसका मात्रक भी कितना हो गया सेकंड, इसका मात्रक भी कितना हो गया सेकंड हो गया। अब दिक्कत क्या आती है कि कई बार क्या जैसे अपन एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो अब जैसे एल बाई आर का कोई क्वेश्चन है या आर बाई एल का है, यहां आते ही फिर दिमाग घूम जाता है, अरे यार सेकंड में था कि वन अपॉन सेकंड करें, तो वहां बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज अगर हो जाए तो जैसे सर ने भी लिखा कि एक्सएल ये अपन जानते हैं ये होता है प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, और ये जो अपन लिखा है 1/XC, जो XC लिखा हम लोगों ने आपका ये 1/ωC जो लिखा है, ये सब क्या जैसे इसका भी आपको मालूम है यूनिट कितना होता है ओम होता है, और इसका भी यूनिट कितना होता है ओम ही होता है, दोनों आपके ओम ही ओम है, रेजिस्टेंस खुद आपका ओम होता है। तो अगर देखो कहीं पर भी मान लो आप फंस जाते हो तो उस केस में क्या करा करो कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका आया एल अपॉन आर आ गया, तो आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर लिया, और जैसे ही इसको ऐसे करोगे ये बन गया देखो एक्सएल, और एक्सएल और रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं सेम होते हैं, तो ओम से ओम का अपन ने कर दिया कैंसिल, बचा अपने पास 1/ω, 1/ω होता है टी, और टी होता है सेकंड, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल अपॉन आर याद था भूल गए तो आर अपॉन आर ये पूछ लिया, तो जहां भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को ढंग से आपके कॉन्सेप्ट पढ़ते से बनाए थे ना, वो आपको काम में लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है सर, बढ़े आगे, बिल्कुल सर। हाँ तो सर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में जैसे क्वेश्चन आपका है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज I = 2 sin 100 πt + 5/3 A, द करंट विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम एट। तो अपन से पूछा है एसी परिपथ दे रखा है, उसमें करंट आपको दे जा रही है, और पूछा है कि धारा इसमें है वो पहली बार अधिकतम कब होगी। तो इसमें देखो आप कि ये जो तू हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है सर हमको पीक वैल्यू, और पूछना भी क्या चाह रहा है कि ये धारा जो आई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्कालिक जो मान है वो 2 A कब होगा मैक्सिमम, पहली बार कब होगा। तो अपन तो इतना ही करते हैं, इसको यहां लिखते हैं 2 = 2, ये हो गया आपका sin 100 πt और प्लस पाई बाई 3। अब इसको केवल हमको सॉल्व करना है, तो 2 से 2 आपका हुआ कैंसिल, तो ये हो गया 1। इसका मतलब साइन इसको थीटा मान लो मैं, तो साइन थीटा 1 कब होता है जब एंगल हो 90 डिग्री, बिल्कुल। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 = हो गया पाई बाई 2। अब ये एंगल तो हमारा हो गया 90, ये कितना आपका 60, इसको अपन इस तरह लेके तो कितना होगा 30 होता पाई बाई 6। तो हमारे पास ये रहा कि 100 पाई टी बराबर हो जाएगा पाई बाई 6, और इसको अपन कर दें यहां पर पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो टी हमारे पास है कितना 1/600 सेकंड आ गया। तो फोर्थ इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ेंगे सर क्वेश्चन में, जी सर बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो ये साफ देखो, हाँ इसमें देखो आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आर एल सर्किट। तो यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको आप सही कर लेना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार रहा हूँ। इसको आप दे द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल सी आर सर्किट, एल सी आर और देस यहाँ पे शो कर रहा है सीरीज, यदि इसमें ऐसा क्या होता ऑब्लिक तो इसको मानते अपन कौन सा पैरेलल सर्किट। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट इज 10 ओम, यानी हमको दे रखा है एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध दे दिया गया है 10 ओम। अब कह रहा है कि एन ईएमएफ ई नॉट अप्लाइड अक्रॉस सर्किट एट ओमेगा दिस इफ द करंट इन द सर्किट इज आई नॉट अपॉन रूट 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो अब देखो ये जो करंट है इसका देना ही अपने आप में इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक बना रहा है। थोड़ा याद करिएगा आप कि जब अपन पढ़ते हैं एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट
तो वहां हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, अर्ध शक्ति आवृत्तियां पढ़ते हैं। तो वहां एक ग्राफ पढ़ते हैं हम पावर वर्सेस करंट का, सॉरी फ्रीक्वेंसी का, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का या करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दोनों का सेम ही नेचर का आता है। तो वहां ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग, इस तरह से ग्राफ आता है, अगर आपको याद हो तो, यहां पावर होती है मैक्सिमम और जहां पावर होती है हाफ, वहां पे जहां पावर हाफ होती है वहां पे करंट होती है आई नॉट बाई रूट टू, जो भी पीक करंट होती है उसका वन अपॉन रूट टू होता है। और अगर आपने वहां जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के जो पॉइंट होते हैं, जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के पॉइंट होते हैं ये, इन पे अगर आप देखा होगा, यहां चलो मैं आपको कुछ चीजें और सिखाता हूं जो कि अपने नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वाले पॉइंट पे अपन रहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी आपकी है एफ आर, यहां फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूं कौन सा एफ1, यहां फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूं कौन सी एफ2 कर रहा हूं। अब देखो ग्राफ अगर पी वर्सेस एफ है, तो यहां अगर पावर इसकी है पी मैक्सिमम पी नॉट, तो ये पावर होती है आपकी पी नॉट बाई टू, यानी 50% होती है मैक्सिमम की। यदि ग्राफ में यहां कर दूं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो जैसे इसको करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उस केस में यहां करंट होगी मैक्सिमम, तो यहां जो करंट इसके मैक्सिमम होने पे जो यहां करंट अपन निकालेंगे वो कहां पर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वाले पे, जहां पावर आधी होती है वहां पे करंट आपने अगर पढ़ी है तो वहां जो इसकी करंट होती है वो होती है बेटे जी आई नॉट बाई रूट टू होती है। उसके बाद अगर आपने इसको थोड़ा सा और एनालाइज किया होगा, तो एनालाइज करने पर आपने पाया होगा कि इन जो पॉइंट पे आप बात करते हो वहां, यानी इस पे एफ वन पे एफ टू पे और एफ आर पे, तो मैं यहां तो लिख दूं आपको कुछ बातें कि एट एफ आर, एफ आर पे आपने पढ़ा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और जो आपका एफ वन है या एफ टू है यहां पर भी आप पढ़ते हो, तो एफ वन और एफ टू में आपने पढ़ा होगा यहां पे एक्सएल एफ वन पे सी आर आई, तो यहां पे जैसे यदि आपने पढ़ा हो तो इसका दो एक्स जो होता है ना, यहां पर एक्स इसमें होता है आपका प्लस आर या माइनस आर, इस पे थोड़ी सी अपने को चर्चा करनी पड़ेगी, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि जो एफ वन है, मान लो जिसमें इसको भूल गया, मुझे पता ही नहीं है, मैं इसको भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं इस बात का कि मैं ये कह रहा हूं कि एफ वन पे यहां पर किस तरह से है, तो अब मैं जब भूल जाता हूं तो मेरे पास तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट में यूज करते वापस मैं मेरे टारगेट पे पहुंच सकता हूं। तो यहां मैं आपसे एक बात शेयर करने लगा कि एफ वन पे एफ टू पे और एफ आर पर यदि मैं इसको यूज करता हूं, तो थोड़ा ध्यान देना आप इसमें कि जो ये पॉइंट मेरा एफ वन है, इस एफ पे सी इफेक्टिव होता है कैपेसिटर, और एफ आर पे आर इफेक्टिव होता है, और एफ टू पे होता है आपका आई। इसको पहले ढंग से याद करें, एफ वन पे इफेक्टिव है कैपेसिटेंस, एफ आर पे इफेक्टिव कौन सा आपका रेजिस्टेंस, एफ टू पे कौन सा आपका आई, यानी याद करो सी आर आई, सी आर आई होता है क्राई। तो सीरीज, जब सीरीज एलसीआर हम लोग पढ़ते हैं, तो सीरीज एलसीआर में अगर फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती है, यानी एफ वन जो है ना, ये इसको अपन अगर लिखें तो एफ वन जो आपका है लेस देन कौन सा एफ आर है, एफ टू जो है उसको अपन देखें तो एफ टू हमारे पास कौन सा एफ आर से बड़ा है। और अगर इसको आप याद करते हो कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जस्ट उल्टा कर दो उसको, जस्ट उल्टा कर दो, आई आर आई आर सी कर दो उसको, आई आर सी कर दो, वहां से क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली याद हो जाते हैं ऐसे। तो क्राई करते देखो, अब यहां हुआ कि इस पॉइंट पे सी आपका इफेक्टिव है, इसका मतलब एक्स सी जो यहां पर है ना, एक्स सी वो कितना है आपका, अब जब पढ़ते हो ना आप, जैसे एक्स पढ़ते हैं अपन, तो बेसिकली पढ़ते हैं एक्स एल माइनस का एक्स सी। तो मान लीजिए अब मैं कहता हूं इस वाले पॉइंट पे यहां पे एक्स सी बड़ा है, एक्स एल छोटा है, तो यहां निश्चित रूप से इसमें इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे, अगर आपको याद हो तो ये होता है आपका माइनस आर, अब इसको रोकने वाला ही नहीं। एफ टू पे आपका एक्स एल आएगा वो है प्लस का आर, या एक्स की सिंपल बात कर दो तो एक्स इक्वल टू यहां दो, मैं यहां पे एक मिनट वापस इसको लिख दूं, देखो इसको वापस चेक कर लें, यहां पे एक्स जो होगा वो है आपका माइनस का आर, और यहां एक्स कितना है बेटे जी प्लस का आर, ठीक है जी, माइनस और प्लस वाला ये पता लग गया। अब सुनो, इस पॉइंट पे हमने दोनों की वैल्यू पता कर ली, क्वेश्चन अगर आता है कि एफ वन एफ आर से छोटा है तो कौन सा इफेक्टिव है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एफ टू एफ आर से बड़े हैं तो उस केस में कौन इंडक्टर इफेक्टिव है, यानी उसको अपन बोलेंगे प्रभावी रूप से कौन सा प्रेरित्व के रूप में काम करेगा, यहाँ प्रतिरोध रूप में काम करेगा, यहाँ कौन सा धारिता के रूप में काम करेगा, और बीच वाले में कोई इश्यू नहीं है।
अब समझो अपना क्वेश्चन तो था कि यहां धारा कितनी है, I नोट बाई रूट टू है, तो इसका मतलब ये पक्का आपको दे रखा है कि यहां जो पॉइंट है वो आपका अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्ति वाले के तुल्य दिया हुआ है। और इस बिंदु पे आप देखो, इस बिंदु पे हमारे पास जो x है वो कितना है, कोई सा पॉइंट ले लो अपने पास, तो यहाँ पे l दे रखा है हमारे पास। इसमें देखो हम l पूछा ना, तो l का मतलब इस पॉइंट पे आपका xl कितना होगा, प्लस r होगा। बिल्कुल, तो अगर इसमें xl इक्वल टू कितना प्लस का r होगा, तो xl दे रखा है तो उसको मैं कर दूं ओमेगा इनटू l, ये तो करेंगे सर। तो अगर इसको xl इक्वल टू ओमेगा l कर दिया और वो है किसके बराबर, r के बराबर, तो ये लो सर जी, अब इसको मैं कर दूं ओमेगा इनटू l बराबर r, और इससे l कितना मेरे पास आएगा r / ओमेगा, और r हमारे पास है 10, ओमेगा हमारे पास कितना 20, 10 / 20 मतलब 1/2, इसका आंसर होगा 0.5, इसका आंसर है फोर्थ, ये वाला ऑप्शन। तो देखो हमने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से कई बातें आपको सिखा दी हैं, जो कि अपने नीट के लिए बहुत व्यवहारिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CRI आप इसमें काम में लेकर के क्वेश्चन अपने फायदे वाले कर लीजिएगा। बिल्कुल, बढ़े सर आगे चलिए। हाँ तो सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखे, आर डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम मैक्सिमम व्हेन। तो देखिए अभी कुछ देर पहले हमने बात भी की थी कि पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम कब होगी। पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम तब होती है जब हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, 1 के बराबर। पावर फैक्टर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होती है तो cos phi is equal to 1 के बराबर होता है। और याद कीजिए इसके लिए phi कितना होना चाहिए, 0, यानी देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। वो कब होता है, जब हमारे पास LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन होती है। LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन होती है, और रेजोनेंस की कंडीशन में हम जानते हैं कि XL किसके बराबर होता है बच्चों, XC के बराबर होता है, यानी ओमेगा L किसके बराबर होता है, 1/ ओमेगा C के बराबर होता है। बिल्कुल, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर चाहिए। मैक्सिमम पावर इसका मतलब पावर फैक्टर मैक्सिमम हो, पाई जीरो हो, LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन हो, तो हमें पावर भी क्या मिलती है, मैक्सिमम में। बिल्कुल, तो इसके लिए XL XC के बराबर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, चलिए सर। ओके सर, तो देखिए सर ये क्वेश्चन अगर आप बताइए इसको देखें। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज इक्वल टू, अब हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक LC सर्किट के अंदर। तो हम जानते हैं कि LC सर्किट के अंदर XL हमारे पास किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है, यानी ओमेगा L किसके बराबर होगा, 1/ ओमेगा C के बराबर होगा, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/ LC के बराबर होगा। इसका मतलब ओमेगा किसके बराबर होगा, 1/ रूट ऑफ LC के बराबर होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2π/, हमें आवृत्ति निकालनी है यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। yes, तो यहाँ पर f कर देंगे, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होता तो 2π/T कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/ LC अंडर रूट। इसका मतलब f हमारे पास कितना आ गया, 1/2π रूट ऑफ LC। तो ये चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है, अगर हम देखें तो ये सेकंड ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें सर एक हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस करेंगे बच्चों के लिए फायदे वाली बात, कि जैसे ये कह रहा है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज इक्वल टू, तो यहां इसमें ये प्राकृतिक का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, प्राकृतिक आवृत्ति से मतलब क्या होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये एक इंडक्टर है, ये कोई हमारे पास एक कैपेसिटर है, और इसको हमने किसी एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक बात है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नेचुरल का मतलब क्या हुआ, तो यहां देखो इसमें काम की बात यह है कि जैसे एक तो होता है हमारे पास सोर्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये तो है एल, ये मेरे पास है सी, ये सोर्स है। तो यहां पर दो तरह की फ्रीक्वेंसियां होती है, एक तो होती है सोर्स की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आरोपित अपन करते हैं, और एक जैसे मान लो मेरे पास इसका L फिक्स है, इसका मेरे पास C फिक्स है। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि मैं ऐसे मान लूं कि इसका L जो है, मान लीजिएगा ये 5 हेनरी है, मैंने मान लिया ऐसे कर, तो मान लो C मेरे पास जो है, और C को मान लो मेरे पास कोई मान लो ये मेरे पास है कौन सा, मान लो 1/5 मान लो फेरेड है, ऐसे मैंने मान लिया। तो अगर मैं यहां पर इस L को एज्यूम कर लेता हूं, मेरे पास इसका C वैल्यू है मैंने एज्यूम कर लिया, और जैसा कि सर ने आपको बताया, और मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, f इक्वल टू कितना, 1/2πLC, तो l मेरे पास कितना था 5, ये था आपका 1/5, इसको मैं करता हूं कैंसिल, मेरे पास 1/2π हर्ट्ज आ गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वो तो सोर्स की है, यानी सॉरी ये जो अपने सिस्टम लगा रखा ने, इस सिस्टम की जो मेरे पास सिस्टम बन गया, अरेंजमेंट बन गया,
इस अरेंजमेंट की ये अपने पास एक जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर सोर्स की फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर देता हूं तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस बराबर हो जाएगी, तब ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक, यही बात आपकी लागू होती है एलसीआर सर्किट में होती है। वहां पर भी आपने एल दे रखा है, सी दे रखा है और आर दे रखा है, तो उसमें एल और सी के अपने मान के आधार पर जो भी अपन आवृत्ति निकालते हैं वो कहलाती है कौन सी, प्राकृतिक आवृत्ति। वो प्राकृतिक है, फिर अपना अप्लाई करते हैं वो फ्रीक्वेंसी और जो आपकी प्राकृतिक आवृत्ति बराबर हो जाती है तब आता है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो बढ़ाएंगे सर, चलिए। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। तो सर देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल बिकम्स, यहां पर डैश दे रखा है, यानी हाउ मेनी टाइम्स by doubling the value of the capacitance in the LC oscillator circuit। तो हमारे पास में frequency की value हमसे पूछी है कि कितने times हो जाएगी अगर हम doubling the value of the capacitance, अगर हम capacitance की frequency, capacitance की value को हम क्या कर दें, double कर दें, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि जो हमारे पास में देखिए हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल हमारे पास में हो जाएगी 1/√2/√LC। ये भी हम सीख के आए हैं। अगर हम मान लीजिए कैपेसिटर की वैल्यू को डबल कर देते हैं, अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू क्या कर देते हैं डबल, यानी ये जो C है इसको हम 2C बना देते हैं, तो F डैश हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√2L को तो हमने चेंज नहीं किया है, इसको 2C कर दिया है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया हमने। तो अगर मैं 1/2 करूंगा तो F/F' ये कितना आ जाएगा, तो देखो बाकी सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर तो हमारे पास बचेगा √2C और इधर बचेगा √C, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो F' बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगा, F/√2। तो अगर हम इससे आंसर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो गया, पहले हम शुरुआत में एफ लेकर के चले थे, F/√2 मिल रही है, 1/√2 टाइम्स हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 का क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा है, द फॉलोइंग सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन ड्राइवन बाय एन ईएमएफ सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 70 किलो रेडियन पर सेकंड, यानी हम लोगों को सोर्स की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 70 किलो हर्ट्ज रेडियन पर, सॉरी सॉरी रेडियन पर, ये दे रखा है हम लोगों को एफ ओमेगा, सॉरी वो है 70 किलो रेडियन पर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब अपन से क्या चाह रहे हैं अभी, द सर्किट इफेक्टिवली बिहेव लाइक, तो ये सर्किट किस तरह से बिहेव करता है वो हमको पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ज्ञात करनी पड़ेगी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे अपन ने इसे ठीक पहले एक क्वेश्चन में बात करी थी कि सी आर आई था ना, सी कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस और आई से मतलब इंडक्टर। तो पहले अपन इसकी याद करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो वो भी किसमें, रेडियन में, ताकि इसे अपन कंपेयर कर पाए। तो ओमेगा मैं उसको लिख रहा हूं नेचुरल, वो देखो आपका वैल्यू होता है √LC 1/, सॉरी इसकी जो अपने टाइम पीरियड था ना वो तो अपन ने भी कई बार काफी देर तक इसको ऊपर बनाते आ रहे हैं। टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो क्या था, 2π√LC बिल्कुल। और इसका अपन निकालते हैं ओमेगा, वो होता है 2π/T, तो ये आपका होता है 1/√LC। तो 1/√LC अगर है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो एल हमारे पास कितना, देखिए सर ये है 100 μH, तो इसको अपन ऐसे कर देंगे 10⁻⁴, यस सर 10⁻⁴ * अपने पास ये हो गया 10⁻⁶ हो गया, तो -6 और -4 मतलब -10 और √10⁵ 10 कितना हो गया 10⁵, इसको पलटाते हैं ऊपर तो ये हो गया आपका 10⁵ रेडियन पर सेकंड इसकी, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये थी। अब इसके बराबर अप्लाई करते हैं तो सर्किट आता है रेजोनेंस कंडीशन में और वहां इफेक्टिवली होता है रेजिस्टेंस के रूप में। अब सुन देखो, हमने दे रखी है 70 किलो, इसको ऊपर लिखे तो क्या करते हैं इसको, ये हो गया 100 किलो रेडियन
पर सेकेंड। अब देखो इससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफ के आधार पे ये लो साहब, यहां फ्रीक्वेंसी आपकी F1 थी, ये थी FR और ये थी आपका F2, F2 FR से बड़ी है, तो आप चेक कर लीजिएगा ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इसी के बराबर अप्लाई करते हैं रेजोनेंस कंडीशन आती है, तो इसकी रेजोनेंस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी को तो अपन क्या ले लेंगे 100 किलो रेडियन पर सेकंड, और ये दे रखी है अपने कितनी 70 अप्लाई कर रखी है, तो अप्लाइड अगर 70 है तो 70 तो कम हो गया ना, बिल्कुल 70 अगर कम है तो सर अब इसमें सर्किट है किस रूप में व्यू करना चाहिए, याद करो सीआरआई वाला, बिल्कुल सीआरआई जो सर आपने सिखाया था सीआरआई वाला, तो इसमें आरसी सर्किट के रूप में ये आपका काम करना चाहिए, आर तो इसमें है ही है, अब इफेक्टिवली कौन सा आ गया सी, यानी इसमें आपका कैपेसिटेंस अब आपका इफेक्टिवली काम आ जाएगा, तो किसको अपन मानेंगे कैसे, सीरीज आरसी सर्किट के रूप में बिहेव करेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस डोमिनेंट डोमिनेंट करेगा इसमें, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखो, थोड़ी सी अपनी स्किल पहले जब पढ़ते समय अपन काम में लेते हैं ना वो फिर अच्छे से काम आ जाती है, तो बढ़े सर आगे, बिल्कुल सर, तो अब ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए क्वेश्चन अपना ये है कि द इंपेडेंस ऑफ ए आरसी सर्किट इज Z1 फॉर ए फ्रीक्वेंसी F एंड Z2 फॉर फ्रीक्वेंसी 2F, देन Z1 बाय Z2 विल बी, तो सिंपल हमारे पास एक आर सर्किट है जिसकी इंपेडेंस है उसका हमको केवल रेशियो पूछा जा रहा है, और वहां कह रहा है कि पहले उसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, अब कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी 2F बन गई, तो पहले फ्रीक्वेंसी के आधार पे अपन देखें, तो आपको मालूम है जैसे XC अपन पढ़ते हैं तो वो होता है 1/2πfc या 1/ωc अपन कह देते हैं, तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी अपन डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी डबल होती इस एफ डेज को अपन डबल कर दें तो XC डेज आपका कितना हो गया, हाफ हो गया, इसका मतलब यदि XC डेज में करता हूं या इसको 2 करता हूं तो हमारे पास कितना XC/2 हो जाएगा, तो इनिशियली मान लो हमारे पास XC था, अब कितना उसका आधा हो गया, अब ऐसे करने पे इंपेडेंस है वो कितनी बदलती है उसका रेशियो पर निकालेंगे, तो अब देखो ये हमारे पास ओनली आर सर्किट था, इसमें Z1 बाय मैं Z डायरेक्टली कर देता हूं, तो देखिए Z हमारे पास होता है कितना R2 प्लस XC2 का रूट, ये तो थी Z1 आपकी इनिशियली, अब हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, डबल करते ही इसकी एक्स कितनी होगी, हाफ हो गई, उसको अपन यहां यूज करें तो देखो ये हो गया हमारे पास R2 प्लस ये हो गया XC/2 का होल स्क्वायर, तो XC2 बाय कितना हो गया 4, अब ये थोड़ा देखें आप यदि इस नीचे वाले में अपन 4 ले लें यहां पे LCM, तो 4 LCM लेते यहां कितना 4R2 प्लस X2 अपॉन 4 आ गया, उस 4 को अपन ले लें यहां पर रूट के बाहर निकाल लें, तो 1/2 रूट ऑफ आप जानते हैं 4 कितना 2 होता ना, इसको अपन यहां से बाहर ले लें, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं अगेन R2 प्लस XC2 का रूट, और इसका LCM लेने के बाद यदि इसको लिख दूं आपके लिए तो देखिएगा ये बनता हमारे पास LCM तो इसका 4, ये है बेटे सी 4R2 प्लस XC2, अब इस 4 का LCM कितना हो गया इसका रूट कितना 1/2 2 को पहले ले हां ऊपर, तो देखो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 2, और ये बची हुई जो वैल्यू है उसको अपन देखेंगे तो R2 प्लस XC2 अपॉन 4R2 प्लस XC2, बस अब देखो ये वैल्यू मेरे पास है R2 प्लस XC2, ये 4R2 प्लस कितना XC2, इसकी अपन कंपैरिजन करेंगे तो इसकी कंपैरेबल में ये वैल्यू कैसा आपका बड़ा है, इसका मतलब जब इसको इसमें इसको अपन डिवाइड करेंगे ये लेस वैल्यू है ये मोर वैल्यू है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा बिल्कुल ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है ये वैल्यू जो पूरी है वो हमारे पास आएगी लेस देन 1, इसलिए अगर मैं इसमें इस 2 को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली से मान लो लेस देन 1 से मतलब है 1/2 ले लो कि 0.2 ले लिया 0.3 ले लिया 0.5 ले लिया 0.6 ले लिया, यदि ऐसी वैल्यू अपन उसमें लेंगे तो वो हमारे पास किस तरह से आएंगी 2 से तो हमेशा कम आएंगी 2 से हमेशा कम आएगी 2 से हमेशा कम आएगी, तो इसमें ऑप्शन देखो 2 से हमेशा कम आएगी तो 2 से तो है 2 कम से कम 2 भी है, यानी आप इसमें कितना 1 से आप इसको 0.8 से 0.9 तक लेते हैं, देखो ये 2 से कम होगा और 1 से बड़ा 1 से तो बड़ा होगा, जैसे 0.6 ले लिया तो 1 से बड़ा होगा, हां बिल्कुल, फिर भी अपने को इसमें ऑप्शन पे टिकना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर मैं इसको पॉइंट मान लो 2 ले लेता हूं तो 1 से छोटा आ गया, छोटा भी आ गया, इसका तो पूरी आपको जो इसकी डिजाइन कर रखी है ऑप्शन की पूरी देखनी पड़ेगी, रेंज कवर करनी, बिल्कुल देखना पड़ेगा, तो ये कह रहा है कि 2 नहीं साहब इसमें तो बहुत संभावनाएं हैं ये पॉसिबल नहीं 1/2 2 तो मैं संभव है ही नहीं, अब रेंज की अपन बात करें तो ये हमारे पास दो ऑप्शन टिकते हैं,
तो देखो पहले ये कह रहा है कि बिटवीन 1 बाय 2 एंड 1 एंड 2, तो 1 बाय और 2 आप देखो ये अगर मैं इसको 0.9 मान लूं तो एक से बड़ा पॉसिबल भी है बिल्कुल, और अगर इसी को अगर आप 0.2 मान ले तो 1/2 से छोटा भी है बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये इसमें इसमें जो प्रेफर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए बिटवीन 1 एंड 1 एंड 2 आना चाहिए। क्यों सर बढ़िया आ गया बिल्कुल बिल्कुल सर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इन एन LCR सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस LCR इज 10 वोल्ट ईच इफ द इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर इंडक्टर को हमने क्या कर दिया है शॉर्ट सर्किट कर दिया है बिल्कुल, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वुड बिकम, तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा अच्छा तो देखिए क्वेश्चन अपना देखो अपन एक बार पुनः पढ़ते हैं इसको कि एन LCR सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस LCR इज 10 वोल्ट। तो जैसे मान लो मेरे पास ये सर्किट है, ये तो हमारे पास है एक इंडक्टर बिल्कुल, ये हमारे पास है एक कैपेसिटर और ये मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इन सबको हमने क्या करा एक सोर्स से जोड़ दिया और ये कह रहा है कि इस L पे C पे और R पे सभी पे वोल्टेज कितना 10 वोल्ट और 10 वोल्ट है। जब सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो अगर आपको मालूम हो तो ऐसी कंडीशन में XC और XL बराबर होंगे बिल्कुल, जब दोनों की वोल्टेज सेम है तो इन करंट भी सेम आएगी, जब करंट इनके सब की सेम है तो इनके आपस में रिएक्टेंस यानी प्रतिघात बराबर आएंगी। इसका मतलब ये एक तरह से LCR सीरीज रेजोनेंस कंडीशन को शो करता है, अगर ऐसा करता है तो डेफिनेट है ये दोनों आपस में बैलेंस कर देंगे यानी कैंसिल कर देंगे, तो डेफिनेट है सोर्स जो है आपका 10 वोल्ट का है। सोर्स कितने का हो गया 10 वोल्ट, सोर्स की RMS वैल्यू आपकी निश्चित रूप से कितनी 10 वोल्ट आपको मिल गई। अब सोर्स तो पर बदल लेनी है, सोर्स तो फिक्स हो गया ना, सोर्स को अपन ने फाइंड कर लिया भाई। अब देखो काम की बात यहां स्टार्ट होती है, अब अगर इफ द इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, अब क्वेश्चन के देखो क्या कह दिया आपने, अब हमने अब एक बात और पता लगी, फिर समझो ये तो ये पता लगा कि दोनों आपस में सेम थे और सभी में देखो सबके वैल्यू भी बराबर है, इसका वोल्टेज 10 है, इसका वोल्टेज भी 10 है, इसका वोल्टेज भी 10 है, इसका मतलब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि सब सीरीज में है, सबकी करंट भी सेम आएगी, तो इसका मतलब ये भी है कि XL बराबर XC बराबर RB है बिल्कुल, B रेजोनेंस कंडीशन इतना बताती है सर हम लोगों को कि XL इक्वल टू XC है और ये R के बराबर है और इन सबकी वोल्टेज सेम दे दिए, मान लो ऐसा दे रखा होता 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 20 वोल्ट पॉसिबल था बिल्कुल पॉसिबल था, वो तो सिर्फ सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन आपको देता, परंतु इसके तीनों के वैल्यू सेम देने से आपको ये मालूम हो चुका कि तीनों के इसका XL इसका XC और आपस में कैसे बराबर है, यानी XC भी आपका R है और XL भी R है, ये भी आपको बता गया इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है। अब सुन लो ये सब मालूम होने के बाद अब कह रहा है इफ द इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वुड बी, तो हमने इंडक्टर को क्या कर दिया यहां से शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट हमने इसको कर दिया, ये लो साहब इसको अपन ने कर दिया शॉर्ट सर्किट और इसको शॉर्ट सर्किट करते ही ये 10 वोल्ट आपका हो गया है जीरो, ठीक है। अब सुनो अब बन गया नया सर्किट बन गया, ये इसका नया सर्किट बनाता हूं देखो, तो जो नया इसका सर्किट बनेगा उसमें देखिएगा इसको तो आप हटा दो बोल जाओ इसको, तो हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये ओनली अपने पास शुद्ध रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास है एक सोर्स ये लो साहब और सोर्स है और इसका वोल्टेज कितना 10 वोल्ट, वोल्टेज कितना हुआ 10 वोल्ट। अब देखो ये मालूम हो चुका कि इसका R और इसका XC बराबर है और रेजिस्टेंस के बराबर R है, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो निश्चित रूप से इनके वोल्टेज सेम आएगी, तो मैं इसका वोल्टेज मानता हूं VDS, इसका मानता हूं VDS, बहुत सिंपल सा कहते हो, इसका मैंने मान लिया कितना VDS, ये मैंने माना कितना इसका VDS सॉरी हां बिल्कुल बराबर आएंगे, रेजिस्टेंस बराबर ना तो बराबर आएंगे और दोनों किस फेज में होते हैं, R का वोल्टेज और C का वोल्टेज आपस में होते हैं 90 पर, अब 90 पे होगा इसका मतलब देखो इसको मैं ऐसे कर दूं देखो कि जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं ना कलारे बनाते हैं ओनली R में, इस ओनली R में इसका I भी इस तरफ होता है VR आपका इस तरफ होता है और ओनली L में आपको करंट तो यही होती है पर इसका वोल्टेज तो यहां होता है सर V आपका L यहां हो गया। अब इस VL को मैंने VDS माना है, मैंने VR को मैंने VDS माना है कि बराबर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की बराबर है वैल्यू, XL का मान R के बराबर है, XC भी R के बराबर तब मैंने माना है। अच्छा अपने पास सर्किट तो कौन सा C वाला बेटे, तो बेटे C का अगर है तो मैं इसको क्या मानूंगा सर, ये आपका यहां हटाओ ये बन गया आपका XC,
और एक्सेसी वाले में इसका वीसी आपका इस तरफ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीआर आपका इस तरफ है, वीसी मेरे पास इस तरफ है और वीआर और वीसी आपस में बराबर है, उसको मैंने मान लिया कितना वी डैस। अब देखो अगर ये 90 पे है तो इसका मतलब इनका नेट कितना और √2 वी डैस, √2 वी डैस और √2 वी डैस है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है, इसलिए इसको क्या कर दूंगा देखो √2 वी डैस इज इक्वल टू 10 और ऐसे में वी डैस हमारे पास आ गया 10/√2। उसके बाद तीनों के वोल्टेज सेम दे रखे हैं तो यहाँ पता लग गया हम लोगों का कि इन सबके आर इसका एक्सिस सी और एक्सएलवी का आपस में बराबर है, तो इसको अपने क्या शॉर्ट सर्किट हटाओ इसको, दोनों के रेजिस्टेंस बराबर थे इसलिए दोनों के वोल्टेज भी कैसे आएंगे सेम आएंगे, वोल्टेज सेम भी है और 90 के फेज पर भी है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं √2 वी डैश इक्वल टू अपन मान ले सोर्स वोल्टेज। ऐसे करते ही ये तो लिखने में इतना कर दिया हम लोगों ने, नहीं तो इसको अपन ऐसे ही सिंपली बिना पेन कर चुके होते इतने में, यही बात अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। ओके सर पढ़े आगे। हाँ तो सर अपन पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, तो 18 क्वेश्चन देखो मैं पढ़ देता हूं आपकी हेल्प करता हूं। बिल्कुल सर। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10^-3 हेनरी, द मैक्सिमम करंट दैट विल फ्लो द सर्किट हैज द वैल्यू। तो आपसे बिल्कुल, तो यानी अपने पास जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज ये है और उसको जोड़ दिया हमने किससे, एक इंडक्टर से, इंडक्टर से। तो आपसे पूछा कि उसमें करंट मैक्सिमम कितनी होगी, तो देखो अपने पास ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बारे में हमको क्या बोला गया है कि इसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी है साहब 1 माइक्रोफेरड और इसका दे रखा है हम लोगों को वोल्टेज बटे से कितना दे रखा है 1 वोल्ट, इसका मतलब इसने तो स्टोर कर रही है एनर्जी। बिल्कुल। अब देखो इसको जो हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि एनर्जी को स्टोर किए हुए है, अगर इसको हम किसी इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो एनर्जी स्टोर कर रखी है इस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो वापस एक बार स्टॉप करते हैं बात को, सुने ढंग से इस बात को कि कैपेसिटर के अंदर जो इसकी प्लेटें हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो होता है, इसके सराउंडिंग में ई कितना आपका जीरो होता है और यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ करती है, इसको अपन कहते हैं हाफ सी वी स्क्वायर वगैरह या क्यू स्क्वायर बाय 2c या बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं सब अपन जानते हैं, वो स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे इसको अपन इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे इसमें यानी आप ऐसे कह सकते हो कि एल और सी में ऑसिलेट करेगी। बिल्कुल। और अगर इसमें रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हम ये मानते हैं कि इसको इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करना चाहिए, फिर भी नहीं करती है। बिल्कुल। फिर भी नहीं करती है क्योंकि जब इसमें चार्ज यहां से इसमें ऑसिलेट करेगा तो आपको मालूम होगा ऑसिलेटिंग चार्ज है वो EMW प्रोड्यूस करता है और EMW तो काइंड ऑफ एनर्जी होती है, वो लगातार इससे अगर EMW जनरेट होंगी इससे बाहर निकलेंगी तो लगातार उसका एनर्जी लॉस होता रहेगा। इसका मतलब ध्यान देना कि LC ऑसिलेशन में अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस ना भी हो तब भी यहां पे ऑसिलेशन आपका इनफाइनाइट टाइम तक पॉसिबल नहीं है। रेजिस्टेंस है तो कहना ही नहीं है, वहां तो लॉस ऑफ एनर्जी होनी होनी है। अगर मैं यहां पे कुछ रेजिस्टेंस एज्यूम कर लूं और वहां करंट इसमें फ्लो करेगी तो निश्चित रूप से वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर जब फर्स्ट टाइम इसकी एनर्जी इसमें से होते हुए करंट फ्लो करवाएगी उस समय देखो जब ये पूरा का पूरा स्टोर्ड एनर्जी इसमें मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा उस समय इसमें करंट कैसे होती है मैक्सिमम होती है, तो देखो आपको मालूम है इसमें तो स्टोर्ड एनर्जी आपकी होती है यानी ओनली इस एनर्जी इसमें कन्वर्ट करते हैं अपन, तो यहां एनर्जी कितनी होती है हमारे पास हाफ सीवी स्क्वायर और इसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ एल इंटू आई, तो आई भी मान लो कौन सी पीक वाली मैक्सिमम जब सारी एनर्जी इसमें आपकी ट्रांसफर हो जाए। अब इसको 1/2 से अपन 1/2 कर दें कैंसिल, तो हमारे पास आई नॉट कितनी आ गई, ये हो गया C/L इंटू V, इसका रूट कर दें। तो देखो सर हमारे पास इसका आ गया आई नॉट इज इक्वल टू जिसमें से C/ आई नॉट, तो जैसे इसका मुझे आई नॉट को फाइंड करना सर, तो इसका मतलब V तो हो गया आपका बाहर और इसको लिख दो मैं यहाँ पर C/L हो गया। अब सर इसकी वैल्यू पुट कर दो आप देखो कितना हो रहा है हमारे पास वोल्टेज जो देखिए वोल्टेज 1
सी की वैल्यू हमारे पास में जो दे रहे हैं 1 माइक्रो फैरेड, तो मैं इसको 10^-6 लिख सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास में जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू लिख रखी है 10^-3, तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 10^-3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000 इसका अंडर रूट। अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, बिल्कुल इसमें ऐसा ऑप्शन कुछ है तो इसको कुछ बदले हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में जो ये वैल्यूज आ रही है, तो देखो हमारे पास जैसे आई नोट जो आ गई वो है देखो कितना 1/1000 तक वैल्यू मेरे पास तो एम्पियर में आ रही है। बिल्कुल हमें मिली एम्पियर मिली में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे पास ये जो करंट है वो आई नोट है वो ये एम्पियर में, बिल्कुल ये हमारे पास है 1/√1000 √1000 एम्पियर। जी अगर अपन इसी को √1000 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर में नीचे, यस, या एम्पियर को हम ये भी लिख सकते हैं 1000 मिली एम्पियर। बिल्कुल अगर अपन इसको एक बार यहां से कर दें क्लियर, बच्चों के पास तो पहुंच चुकी है बात, और इसको वापस लिखा देखो तो हमारे पास जो करंट आई है आई नॉट वो आ गई हमारे पास देखो 1/√1000 एम्पियर। अगर इसको हम लोग मिली से कर दें मल्टीप्लाई और मिली से कर दें इसको अपन डिवाइड, तो ऐसे अगर अपन करते हैं तो देखो मिली एम्पियर तो मुझे लेना ही लेना है, और इस मिली को 10^-3 कर दें। बिल्कुल, तो 10^-3 अगर हमारे पास हो जाएगा ऊपर जाके और इसको अपन लेते हैं इसमें अंदर ले लेने को, एक बार इसको अपन यहां सॉल्व करें तो ये हमारे पास देखो कितना है 10^3 और 10^-3 को इसके अंदर ले आते हैं तो 10^ कितना माइनस का 6 हो गया, ठीक है जी, और ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना 10^-3 रह गया, ठीक है, और इसको ले जाएं अपन ऊपर तो 10^+3 हो जाएगी अंडर रूट, तो ये आ गया 1000 और मिली एम्पियर, तो ये क्वेश्चन रूट थाउजेंड मिली एम्पियर तो ऑप्शन के बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल, और आजकल जी मेन का जो पूरा थीम चलता है इसी खेल पर ही है। जी मेन तो पूरा टिके इसी पर ही होती है कि क्वेश्चन तो वहां थोड़े से क्या कॉन्सेप्ट है उनको मिस करके देते हैं पर मिस करने के बाद में जो ऑप्शन का सिलेक्शन है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, फिर बच्चे समझे ना अपने हिसाब से अपने गुत्ते के हिसाब से तो बहुत ढंग से अपन अगर समझे ना अपने हिसाब से अपने गुत्ते के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है, बड़ा आनंद आता है। बढ़े सर आगे चलिए सर, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। As given in the figure, a series circuit connected across a 200 volt and 60 hertz line consists of a capacitor of capacitive reactance 30 ohm, a non-inductive resistor of 44 ohm and a coil of inductive reactance 90 ohm and resistance 36 ohm, इसका resistance भी दे रखा है हमें, the power dissipated in the coil is, और हमें एक source दे रखा है जो 60 hertz frequency के ऊपर operated है और 200 volt IRMS value है इसकी, क्योंकि हमें ये पहले भी बात कर चुके हैं हम कि अगर हमें कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब IRMS दिया है। Yes, yes. तो ये IRMS तो अब हमें निकालना है कि हमारा पावर डिसिपेशन जो है कॉइल में से कितना होगा, हमें पूरे सर्किट का नहीं निकालना है, केवल कॉइल में से कितना पावर डिसिपेशन होगा वो हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों हम, कि हमारे को देखिए पावर डिसिपेशन निकालना है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पावर डिसिपेशन अगर हम ये तीनों को अगर हम देखें और इसके अंदर से अगर हम करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एक तरह से हमारे हो गया, जैसे देखो अपने पास सर ये तो क्या कैपेसिटर हो गया सर, बिल्कुल है, इसमें रेजिस्टेंस भी हो गया, बिल्कुल, और ये हमारे पास एक इंडक्टिव कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है और इसका एक्सल भी दे रखा है, यानी एक तरह से जो कॉइल हो गया जी जो कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास एक तरह से LCR सीरीज सर्किट हो चुका, और अगर LCR सीरीज सर्किट हो चुका तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपन निकालेंगे Z इंपेडेंस, क्या निकाल लेते हैं इंपेडेंस। अच्छा इंपेडेंस कैसे आती है तो उसमें देखते हैं अपन पहले R, जैसे अपन इंपेडेंस का फॉर्मूला जानते हैं Z को अगर अपन देखें तो देखो Z हमारे पास कितना होता है, Z इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XL मोर माइनस लेस XC इसके स्क्वायर का रूट, ये हम लोग करते हैं। अच्छा R अब देखो
इस पूरे सर्किट में जो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये R1 कितना है 44 ओम, ये रेजिस्टेंस का है, इंडक्टिव कॉइल कितना 36 ओम। अब दोस्तों सीरीज में ना, तो सीरीज में होने से 44 और ये आपका 36 हो चुका है 80 ओम। तो यहां रेजिस्टेंस तो है ना, वो तो आप कर सकते हो कितना 80 ओम। उसके बाद देखिए XL और XC, ये मेरे पास XC है, ये मेरे पास XL, ये 90 है, या तो 30, इसका मतलब XL मोर देन XC है। तो अगर मैं 90 से 30 को करता हूं, डिफरेंस करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 60 आ गई। तो ये जो आपका नेट वैल्यू जो इसका है, वो आपको मिल गया कितना 60 ओम। अब देखो आपको मालूम है ये है 80, ये आपका है 60, तो बिल्कुल एक बेसिक सा आप जानते हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर, 30 40 का स्क्वायर कितना होता है 50, तो 60 80 कितना होगा 100, मतलब 100 हो जाएगा, बिल्कुल 10 इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब हमारे पास Z कितना आ चुका है 100 ओम आ गया। तो सबसे पहले बिल्कुल सलीके से LCR परिपथ अपने मान लिया, R1 R2 है आपकी सीरीज मान लिए, XL X से अपन इसका X निकाल लिया और Z अपन आराम से निकाल लिया। अब देखो जैसे हमने आपको बताया था कि IRMS वैल्यू अगर हम निकालना है, तो IRMS वैल्यू हमारे पास क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, बिल्कुल। तो हमें जो V दे रखा है यानी VRMS दे रखा है, उसके अंदर हमें Z को डिवाइड करना है, बिल्कुल। तो IRMS बच्चों जो है हमारे पास में VRMS, VRMS की वैल्यू 200 है, और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, Z, Z हमने कितना निकाल लिया है 100, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों 2। तो हमें पार डिलीवर्ड निकालनी है, पार डिलीवर्ड हमारे पास में, और देखिए इसके अंदर हमें क्या लिखा होता है, पार डिसिपेटेड इन कॉइल ओनली, हमें केवल कॉइल, हां एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे बहुत सलीके से देखो यहां लिखा था पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल, सर्किट का पूछ लेते तो अलग आता आंसर, बिल्कुल सर्किट का तो बिल्कुल Z से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये केवल हम कॉइल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा IRMS जितना हमने निकाला है, क्योंकि तीनों में बराबर आई जाएगा। yes, yes. और यहाँ पर हम केवल कॉइल का रेजिस्टेंस रखेंगे, यानी ये 36, क्योंकि केवल कॉइल में निकालना है। तो IRMS की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 36, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 36 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 पार की यूनिट वाट, जिसका आंसर हो गया हमें थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल। अब यहाँ जो एक ऐसे क्वेश्चंस में लिखा नहीं है, कभी लिखा नहीं आएगा, लिखा हो तो बहुत अच्छी बात होती है, लिखा नहीं कि पावर कौन सी पावर तो एसी परिपथ में कई प्रकार की होती है, इंस्टेंस भी होती है, पीक वैल्यू भी होती है, आरएमएस भी होती है, कोई इफेक्टिव होता है, कहीं आपका आवासीय वगैरह नाम आता है, कहीं कुछ आता है, रियल पावर है, वर्चुअल पावर है, तरह तरह के इसमें नाम आते हैं। तो बहुत ध्यान सुन ले इस बात में कि आपका जहां पर भी एसी सर्किट आ गया और पावर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आपको निकालनी है एवरेज पावर, बिल्कुल एवरेज ही निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है। अच्छा एवरेज पावर जो होता है ना, अब उसमें जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो पी एवरेज, ये होता है आपका वी आर एम एस, आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फिर इसमें कॉस फाइव है, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो पी आपका एवरेज है ना, ये पी एवरेज इसका जो फॉर्मूला है हमेशा आपका आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ही आता है। क्यों आता है, इसकी वजह देखो आप, मैंने इसे ठीक पहले भी कहा था कि L और C का काम तो एनर्जी को स्टोर करना और रिलीज करना होता है, ये लॉस नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो लॉस तो कौन कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। इसलिए अगर LCR परिपथ में, RC परिपथ में, LR परिपथ में यदि कहीं पर भी आपको पावर लॉस याद करना हो, तो बात अच्छे से पकड़ लो, सर्किट में करंट निकाल लिया करो और रेजिस्टेंस में उस करंट का स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो, आपका पावर लॉस आ जाए कौन सा, एवरेज वैल्यू, बिल्कुल। बात मतलब कितनी सी है, ठीक है सर, बढ़िया आगे चलिए। ओके तो हाँ सर, क्या कह रहा है सुनिए, एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर आर एंड एन इंडक्टर एल कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द वैल्यू ऑफ आर एंड इंडक्टर इंपेडेंस इज 3 ओम ईच, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। तो हमने यहां पर पूछा गया है अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ये जो हमारे को जो सर्किट दे रखा है जिसमें हमने एसी सोर्स लगा रखा है, उसमें एक रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास में इंडक्टर है, और ये भी कह रखा है हमारे को कि इफ द वैल्यू ऑफ आर इंडक्टर इंपेडेंस इज 3 ओम, इसका मतलब दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 ओम ईच, और हमें ये बताना है द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए इसके अंदर हम अप्लाइड वोल्टेज और करंट के अंदर फेज डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, कि जैसे हमें इस तरीके से कोई ग्राफ दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि इसके अंदर दोनों की वैल्यू यानी कि इंडक्टर का जो इंपेडेंस है और आर की जो वैल्यू है दोनों ही कितनी है
थ्री है, यानी यहां पर अगर मैं ये आर के लिए लिख दू आर और यहां पर मैं इंडक्टर के लिए लिख दू एक्स एल, इन दोनों की वैल्यू ही कितनी है बच्चों, थ्री। तो यहां से अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास में ऑब्वियसली एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे करके मैं निकाल सकता हूं, और क्योंकि दोनों ये थ्री थ्री है यानी ये हमारे पास में ऑब्वियसली कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अपने पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें आर और एल हैं जिनको लगा रखा हमने सीरीज में, और फिर हमको पूछ क्या लिया इसने, दे रखे तो अपने को आर और एल, और पूछा हमने कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी सी हेल्प मैं सर के साथ और ऐड कर देता हूं कि जैसे अपन पढ़ते हैं एक तो वोल्टेज ट्रायंगल एंड वोल्टा त्रिभुज, और एक अपन पढ़ते हैं एसी वाले में आपका प्रतिबाधा त्रिभुज एंड इंपेडेंस ट्रायंगल, और हमने इसको अभी आपको बताया है किससे, आपका इंपेडेंस ट्रायंगल से अपने इसको बताया, और आपको पूछा यहां पर क्या आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर पूछा है, तो कोई इशू नहीं, आप कैसे चीज इसको इंपेडेंस ट्रायंगल से कर दो चीज इसको वोल्टेज से कर दो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता है भी नहीं, बिल्कुल ठीक आपका काम है। फिर भी चलो अपन थोड़ा सा आपसे इतनी बात बोल ही चुके हैं तो थोड़ा सा इसको बच्चों को ज्ञान और दे देते हैं। जैसे हमारे पास इसमें आर है वो कितना है देखो 3 ओम, और एक्सएल भी हमारे पास कितना देखो 3 ओम, तो जेड कितना, दोनों आपस में तो 90 के फेज पे होते हैं, 90 पे होने पे, और 90 पे होने पे तो कितना √2 टाइम्स ऑफ 3 इसका जेड आ गया। अब सुनो जैसे कि अपन बनाते हैं यहां पर, तो इसका ये तो हो गया आपका R, ये हो गया इसका आपका XL, और ये हो चुका आपका Z, और आपको पूछा यहाँ पर phi। अब उस सीरीज ऑर्डर में अपन देखें तो सीरीज में होता क्या है, सीरीज वाले में जैसे यदि आप देखो तो इसमें अगर मैं X अक्ष पे यहाँ करंट शो कर दूं I, ओनली R में, तो I उसका इस तरफ है, इसका VR भी इस तरफ होता है, ठीक बात है। अब इससे अपन बात करते हैं वोल्टेज में, L की वोल्टेज में, तो L में आपने, मैंने भी सिखाया था आपको L में करंट होती है लारे, तो जब करंट इसकी यहां है तो वोल्टेज उसका ठीक 90 पे होगा VL। अब देखो अब इसमें VL जब हमने जोड़ रखे हैं, रेजिस्टेंस भी है हमारे पास L दोनों है, तो दोनों की प्रेजेंस में अब उस सीरीज ऑर्डर में तो VR और VL दोनों के रेजिस्टेंस के बराबर होने के कारण बराबर आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि I दोनों में सेम जाएंगे। यदि इसको मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं यहां I से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो I दोनों में सीरीज में सेम होती है, इसलिए इन दोनों में ये भी बात पता लग गई हम लोगों को कि इसका जो VR है और इसका VL आपस में बराबर है, VL बराबर है, VR और ये इसका VL जो है वो आपस में कैसा है बराबर। ये बराबर है, जब बराबर है इसका मतलब जितना VR उतना ही VL, तो नेट कैसा है ठीक बीच में आएगा, जब ठीक बीच में होगा तो करंट तो फिक्स हो गया, करंट से उसका एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। बढ़े आगे चलिए, तो सर अपन पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 21 पे, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो इन एन एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 3, ये कह रहा कि एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से पाई बटा 3 पीछे है, लारे है, कैसे है लारे मतलब पीछे है, लैगिंग बिहाइंड द कंपोनेंट्स इन द सर्किट आर, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। तो देखो हमने जो बात सीखी थी ना लारे वाली, एल आर की, L की और C की, तो ओनली R में करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, तो phi हमारे पास कितना था 0 डिग्री, और ओनली L में करंट ला रहे थी, इसका मतलब I lag behind the voltage, बिल्कुल, तो उसमें जो आपका phi था वो था 90 डिग्री प्लस का, बिल्कुल, और C में करंट अहेड, तो इसमें था हमारे पास phi कितना माइनस का 90 डिग्री, और सीरीज में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि यहां अपन I को यूज करते हैं, ये आपका VR होता है, इसमें अपन यहां VL लेते हैं, और ये आपका VC होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है 0 डिग्री का, प्लस 90 का, माइनस 90 का, तो इसका मतलब वहां ओनली R, ओनली L, C इस प्रकार की कंडीशन आएगी, और ये जो कंडीशन है एक तो R में आती है, एक आपका है कौन सा LCR सीरीज रेजोनेंस प्लस ओनली, तो ये तीन क्वेश्चन तो आपको वैसे फिक्स मिल गए। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन है वो करके पाई बटा 3 कौन से पीछे है, इसका मतलब इनमें से कोई सा पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो हमने कहा कि R हमेशा क्या चाहता है, R हमेशा करंट और वोल्टेज को सेम फेज पे रखने का प्रयास करता है, और L हमेशा करंट को लारे करने का प्रयास करता है, और अकेला होता है
इतना काम कर जाता है कि 90 से उसको लड़ कर देता है, और कैपेसिटर करंट को कितना करता है ऐड, कितना 90 से ऐड करता है। अब देखो आपको दे रखा है कि धारा और जो है वो कितना पाई बटा 3 कौन से कैसा पीछे ला रहे हैं, करंट ला रहे हैं, इसका मतलब एल तो वहां है बिल्कुल, और 90 से नहीं है, 90 से नहीं पाई बाई 3 कौन से, इसका मतलब यहां दोनों का बीच का से इफेक्ट हो गया, तो निश्चित रूप से यहां पे आर एल सर्किट होना ही चाहिए बिल्कुल। तो इसमें अगर इसमें देखो यहां पे संभावना अपन देखिए ना, या तो आपका आर एल सीरीज या आपका आर एल सी जो है ना ये भी पॉसिबल है, पर कब, जब उसमें एक्सएल का मान एक्सएल से बढ़ाओ बिल्कुल सर, तो यहां दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो आरएल परिपथ या कौन सा डोमिनेंट और कौन सा एल, तो उस केस में भी इसका फेज डिफरेंस आपका पाई बाय 3 पॉसिबल है, वो भी कौन सी कंडीशन में, करंट को पीछे रखते हुए, करंट को पीछे रखते हुए। इसलिए हम यहां इसमें ऑप्शन चेक करना चाहें तो देखो ओनली आर पॉसिबल नहीं, एल और सी नहीं, आर सी पॉसिबल नहीं, ये इसका आंसर आप कर सकते हो, और इसमें ऑप्शन एक और भी होना एल सी आर वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें एल ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल, एक्सएल की वैल्यू वहां बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए, बढ़ेगा सर बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज 1 बाय पाई हेनरी एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज, तो हमें जो एल दे रखा है बच्चों उसकी वैल्यू दे रखी है 1 बाय पाई हेनरी, और हमसे पूछ, हमें साथ में एक और भी चीज दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और हमसे पूछा है कि इसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, तो एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू पूछिए बिल्कुल। तो एक्सएल इसकी कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 2 पाई एफ इनटू एल, यहां पर जरा हम इसकी कैलकुलेशन देख लें, तो 2 पाई एफ की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है जैसा कि अभी हमने लिखा 50 हर्ट्ज, और एल की वैल्यू हमें दे रखी है 1 बाय 5, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा 100। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड बिल्कुल। तो सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी माइक्रोफेरेड और फॉर एसी फ्रीक्वेंसी 400 बाय पाई हर्ट्ज इज 25 ओम, तो हमें देखिए एक्ससी की वैल्यू दे रखी है, रिएक्टेंस दे रखा है हमें, वो दे रखा है 25 ओम, और साथ में हमें एसी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो दी हुई है 400 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज, और हमसे पूछा क्या बच्चों रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी माइक्रोफेरेड, यानी हमें यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटी पूछी हुई है। यस, तो एक्ससी जो है वो किसके बराबर होगा, 1 बाय ओमेगा सी होता है, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 2 पाई एफ सी, ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है, तो एक्ससी की वैल्यू है हमारे पास, तो हमें निकालना है सी, तो इस सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय 2 पाई, ठीक है, और एफ इंटू एक्ससी, अब इसको जरा हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो C हमारे पास में कितना हो जाएगा 1 बाय 2 पाई, F की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 400 बाय पाई, yes. तो 400 यहाँ पर और पाई हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और XC की वैल्यू हमारे पास में हमें दे रखी है 25, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 बाय 2000 करेक्ट, 8 1 बाय ये हो गया हमारे पास 800 × 25, तो देखिए 1/8, और ये हमारे यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं, इसको भी इंटर करते हैं 1/, ये हमारे पास में कितना हो गया, चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ इसमें, देखो यस सर अपने पास देखो ये आ गया कि 1/25 × जैसे इसको मैं वापस एक बार ले देता हूँ, जैसे मेरे पास ये C था क्या सर, बिल्कुल C इज इक्वल टू 1/2 × वैल्यू क्या थी इसमें 2 × 4 400, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास जो वैल्यू थी इसको एक बार आप कैंसिल कर दीजिए सर, दे वापस से पकड़ लेते हैं, बता सी इज इक्वल टू अभी अपन ने कहा था 1/ कितना 2π, ये 2 कैसे खाए कैसे हो रहा है, वापस देखो एक बार सी इज इक्वल टू 2π 1/ एफ इनटू एक्ससी 2π एफ इनटू एक्ससी एक्ससी बिल्कुल सर, ठीक है, तो ये हमारे पास था 1/2π एफ कितना था आपका 400/π इनटू एक्ससी हो गया आपका कितना 25, तो पाई से पाई कैंसिल। अब देखो यहीं से अपन थोड़ा सा पहले ज्ञान लगाएं ऐसे
कि जैसे ये हमारे पास है 25 को 4 से पुनः गुणा करें तो 25 को 4 से गुणा करने पे 100 आ गया। बिल्कुल 100 × 100 कितना हुआ? 100 × 100 कितना हुआ सर? 1000। 10000। 100 × 100 10000 पक्का। 100 × 100 100 × 100 का मतलब हो गया 10000। 10000 × 2 कितना हुआ? 20000। बिल्कुल। तो C हमारे पास कितना है? 1/20000। 2 × 10^4 कर दो ना सर। बिल्कुल सर। अब इसको अगर अपन देखें तो हमारे पास अब ऑप्शन किस रूप में है? माइक्रो में। माइक्रो फैराड। तो अगर माइक्रो से कर दो मल्टीप्लाई, माइक्रो से कर दो इसको डिवाइड, ये तो हमको रखना है। अब इसको अपन यहां 10^-6 देते हुए काम में ले ले, तो 10^ अगर -6 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 10^-2 रह गया -2। तो 10^-2 मतलब हो गया 100, तो 50 बच जाएगा। 50 माइक्रो। बिल्कुल आंसर आपका आना चाहिए, हमारे पास आ जाएगा 50 माइक्रो फैराड। तो फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। बढ़े आगे। बिल्कुल। ओके अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। देखो ये कह रहा है देयर इज एन 5 ओम रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। तो एक एसी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम है। इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड विद इट इन सीरीज। जैसे मान लो अपने पास ये कोई एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ हमने जोड़ रखा है कौन? एक इंडक्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया जा रहा है 5 ओम और इसका L हमको दे रखा है 0.1 हेनरी। सीरीज में जोड़ रखे हैं साहब। इफ इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ इज दिस, जो अपने सोर्स यहां पे जोड़ा हुआ है उस एसी सोर्स के बारे में लिखा है E इक्वल टू 5 sin 50 t। तो आपसे पूछा देन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज, तो करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस कितना है? तो देखो यहां पर अगर आप चेक करते हो तो ये मेरे पास है ओमेगा, ये मेरे पास है एल। तो इस केस में इसका अपन निकाल लें एक्सएल, वो था आपका ओमेगा इनटू एल। बिल्कुल। तो 50 को 0.1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पर पहले क्या था एक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आर और एक्सएल बराबर थे तो फेज डिफरेंस इसका नेट नेट जेड कितना आया? 5√2 ठीक है, इसमें 45 डिग्री। तो वही क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक करंट इन सीरीज एलसी सर्किट विल बी मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इज। तो अपन ने पढ़ा इसको जैसे, बिल्कुल सर, इसमें हमने यही पढ़ा है कि एलसीआर सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर की कंडीशन तब होती है जब हमारे पास रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में हम जानते हैं कि जो हमारे पास में एक्सएल होता है वो एक्ससी के बराबर होता है। तो इससे अपन ने सॉल्व किया था, तो हमारे पास ओमेगा कितना डायरेक्ट था ना वो। बिल्कुल सर, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कई बार सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल, कई बार सॉल्व कर चुके हैं मैंने, एक बार और वापस स्टूडेंट के लिए सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू, इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें एक थोड़ी सी बात देखो, एक हिंदी में और इंग्लिश में मुझे अजीब सी लग रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो पूछा आपको व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फिर कह रहा है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, इसका मतलब करंट का पूछा आपको पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, ये थोड़ा सा इसमें अब क्वेश्चन को अपने नए रूप में ले लेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहले हमसे पूछा है इसकी परिपथ की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इस अनुनाद आवृत्ति पे धारा का मान कितना है, वो भी उसका वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा, पर इसमें ये नहीं लिखा कि आरएमएस निकालना है या पीक वैल्यू निकालना है, वहां तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखो अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी सर अपन काम में ली है। बिल्कुल, ऑप्शन किस में? रेडियन में है। तो जो आपने अभी लिखा था उसी को हम काम में ले लें, 1/√LC। L हमारे पास कितना है सर? 8 मिली हेनरी। ये 8 × 10⁻³ इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे से 20 और ये आपका माइक्रो 10⁻⁶। बिल्कुल, तो देखें ये 10⁻⁶ माइनस का 3 कितना? माइनस का 9, और 9 से अगर मैं इसको कर दूं एक कम तो माइनस का 8, रूट ऑफ 8 कितना? 4 चला गया ऊपर, तो ये है 10⁴ अपॉन ये रूट ऑफ 16 कितना हुआ? 4। तो हमारे पास ये वैल्यू आगे देखो, इसको मैं 10⁴ × 10³ कर दूं तो 2.5 × 10³ × 10³। तो 25 हो गया क्या? 25 हो गया सर, 2500 रेडियन पर सेकंड हो गया। एक बात तो 2500 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां तरफ
इसका मतलब तो और काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तो हमें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा करंट का। तो अब इस करंट का जो एम्पलीट्यूड अपन निकालते हैं आई, वो तो वोल्टेज अपॉन कौन सा रेजिस्टेंस होता है? जी सर, कब रेजोनेंस कंडीशन में होता है। तो वी हमने कितना दे रखा सर? 220 और रेजिस्टेंस कितना? 44। तो इसका मतलब हो गया ठीक आपका 220/44। तो ये आप करोगे तो आ जाएगा 5 एम्पियर। अच्छा, पर इस क्वेश्चन में अब देखो क्या कह रहा है कि एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें ये चीज नहीं लिखी होती हो तो आप क्या करते हैं? तब तो आपको कुछ लिखा नहीं होता, तो हमें निकालना पड़ता उस मैक्सिमम करंट का आरएमएस वैल्यू। बिल्कुल, आरएमएस निकालना पड़ता, कुछ नहीं है आरएमएस है। बिल्कुल, पर यहां लिखा है एम्पलीट्यूड, और हिंदी में थोड़ा सा इसमें अपन कह दें कि अनाद आवृत्ति पे धारा का आयाम, धारा का आयाम। इसका मतलब उसका पीक वैल्यू यानी आपको शिखर मान है वो ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ गई सर। बिल्कुल, और आरएमएस है तो उसका पीक वैल्यू कितना? उसका रूट टू टाइम्स होता है, तो 5√2 हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर आपका प्रॉपर जाएगा, फर्स्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, करंट इन द कब होगा तो आपको मालूम है, सबसे ज्यादा होता है जब हमारा एलसीआर सर्किट जो है यानी एलसीआर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किसमें हो? रेजोनेंस में। कई बार बात हो चुकी है, अब तो हमें ये सब चीजें याद है और हमारा सीधा हम बता सकते हैं इसके अंदर ये कब होता है, जब XL किसके बराबर हो? XC के बराबर हो, या यू भी कह सकते हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो हमें कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं है, सीधे हमारी जो आंखें हैं वो सीधे इस पर टिक जाएंगी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बिल्कुल बड़े सर आगे। जी सर, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहे हो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी। कोई मोटर है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा हम लोगों को L=10 हेनरी। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज, तो हम लोगों को इसको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी F=50 हर्ट्ज पर मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, इट शुड बी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटेंस ऑफ, तो किससे जोड़ना चाहिए? तो मोटर जो होता है सर, ये तो आपका एक तरह से RL सर्किट है। बिल्कुल, अब RL है उसमें पावर को मैक्सिमम करना है, इट मींस दिस सर्किट शुड बी इन रेजोनेंस कंडीशन। बिल्कुल, और उसके लिए तो XL=XC होना चाहिए। तो जिदी सी बात इसमें है कि आपको पूछा है इसमें क्या कैपेसिटेंस पूछी है, तो डायरेक्टली अपन पहुंच जाते हैं बिना किसी लाल लपेट के। F=, आपने पढ़ा था 1/2π√LC, और हमको पूछा है क्या सर? C, तो C को अपन यहां से बाहर ले आएंगे, तो C को अपन यहां से बाहर लेते हैं, तो C=, कितना? 1/2π। इसका स्क्वायर करेंगे पहले, तो स्क्वायर करने पे कितना हो गया? F²(4π²), तो C हम यहां से यहां लेके आते हैं, तो ये हो गया सर। इसको मैं थोड़ा सा कर दूं यही बच्चों के लिए, पहले इसको स्क्वायर कर लें, F²(4²π²), ये रूट आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं सी को यहां लेता हूं, तो सी मेरे पास आता, देखो 1/, ये हो गया 4π², F² भी नीचे लिखा चुका हूं, 4 × L। अब सर इसकी वैल्यू पुट कर दें आप। बिल्कुल सर, तो ये हमारे पास में बच्चों कितना आ जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे को पाई के अंदर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमने 10 लिख दिया। एफ हमारे पास में बच्चों कितना है, 50, तो इसमें 25 लिख देता हूं, 50² जी। और एल हमारे पास में कितना दे रखा है, 10 हेनरी। तो देखिए ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100। यस, और बाकी देखिए 1, 3, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁶, यानी 1 माइक्रो, यानी 1 माइक्रोफैरड। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट। बढ़िया, आगे चलिए, ओके। नेक्स्ट सर क्या कह रहा, देखो एन एलसीआर सर्किट इज एट रेजोनेंस देन, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब एलसीआर सर्किट हमारा रेजोनेंस में होता है तो XL किसके बराबर होता है, XC के, ये आपस में बराबर होते हैं, तो हमारा जो Z होता है, इंपीडेंस जो होता है हमारे पास में, यानी जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, यानी Z किसके बराबर आ जाता है, केवल R के बराबर। इसका मतलब है प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है, प्योर रेजिस्टिव है ना। और एक अपन ने ये बात भी की थी बच्चों के साथ जो पावर वाले ग्राफ में, बिल्कुल पावर वाले ग्राफ CRI
सी आर आई आई, तो रेजोनेंस कंडीशन में कौन सा आपका प्योर रेजिस्टेंस के रूप में बिहेव करेगा? पढ़े बिल्कुल सर, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा, थर्ड अच्छा पीछे अपन चले देखो ऑप्शन रहेगा था क्या, वेरी गुड, तो इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। हाँ जी सर, ये देखो क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, देखो इसमें तो कुछ स्विच दे रखा है, इसको ओपन भी कर रखा है, वेरी गुड। तो देखो इन द इंडक्टिव सर्किट गिवन इन द फिगर द करंट राइजेस आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड एट इंस्टेंट व्हेन द करंट इज 15 मिली एम्पीयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर विल बी, बिल्कुल ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो अपन से कह रहा है कि ये तो हमारे पास कोई सोर्स है डीसी वाला, कि कोई अपने पास एक L है, ये दे रखा है आपको रेजिस्टेंस, और ये कोई आपको दे रखा है स्विच दे रखा है। तो अब इसमें देखो बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी कोई R L DC या R C DC सर्किट आपको दे दिया जाए, तो जब ओनली वोल्टेज के साथ खेलना हो तो वोल्टेज का तो सिंपल किरचॉफ का नियम जो आपका है वो लागू होता है साहब। वो क्या कहता है कि जो सोर्स वोल्टेज हमेशा इन पे होती है डिस्ट्रीब्यूट, और इन दोनों का वोल्टेज हमेशा कितना होता है, सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। अब उस केस में हो सकता है कि इनकी वोल्टेज आपकी अलग हो जाए, पर नेट तो हमेशा कितना आपका 240 वोल्ट ही रहना है। तो कॉन्सेप्ट की बात इतनी सी है। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन इसलिए हो गया ये कि आपको दे रखा है कि धारा दे रखी है 15 मिली एम्पीयर, तो ऐसी कंडीशन देखो इसको मैं ई मान लूं तो मेरे पास ई कितना हो गया, देखो एक्चुअली हो गया वी आर प्लस वी एल। अब वी आर तो आपका आई इंटू आर है, कुछ भी इसमें हो सकता है कि टाइम बहुत सारी क्वेश्चन होती है, आप इसमें करंट निकाल दो, करंट ग्रोथ भी होती है, इसको हटा के तो करंट इसमें लॉस भी होता है, बहुत सारा खेल चलता है इसमें। आप पढ़ते हो आई इक्वल टू वन साहब का आई नॉट, ग्रोथ होते पे कितना वन माइनस कितना ई की पावर माइनस का आर टी बाई एल, और जब इसको अपन स्विच को वापस ओपन करते हैं तो इसमें करंट वापस रिड्यूस होती है, वहां पर पढ़ते हैं तो कितना आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस का आर टी होने लगता है, सब कुछ चीजें होती रहती है। तो पर यहाँ तो हमको वोल्टेज निकालनी पूछी है, तो ई इक्वल टू अपन सिंपल जानते हैं ये ड्रॉप किस पे दोनों पर है, दोनों का वोल्टेज का सम हमेशा कितना आपका सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। अब देखो हम पे करंट दे रखी है दोनों सीरीज में, तो जो करंट इसमें होगी, तो अगर इसमें करंट आपको मालूम हो चुकी आई आर, इसका वोल्टेज मिल गया V इक्वल टू कितना आर होता है, और एक का वोल्टेज मिलते ही इसमें से उसको अपन डिफरेंस कर दे तो आपका आंसर आ गया। तो ये लो सर ये आपका E, तो वी एल कितना आना चाहिए, वी एल आपका आना चाहिए E माइनस का आई आर, और हमारे पास E कितना है 240 माइनस आई आर। अब देखो I कितना है 15 मिली, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 400, तो अगर इसको काट दीजिए, इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई 60 बच जाएगा, तो 60 आ गया, तो 60 कर दे इसमें से डिफरेंस कर दें, बिल्कुल सर तो मेरे पास बच जाएगा 180, तो इसका थर्ड ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल सर बड़े चलिए। हाँ सर, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन आप बच्चे वो पढ़ ले ढंग से इसको, आप ये क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें ऐसे पता लगेगा। देखो कि इन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटेंस सी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ इंडक्टेंस जीरो। तो क्वेश्चन जहां तक मैंने समझा इसको तो ऐसे लग रहा है मेरे को कि मान लो हमारे पास ये तो कोई कैपेसिटर है और ये कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इन दोनों को जोड़ रखा है हमने सीरीज में किसी एसी सोर्स के साथ। अब ये तो इसका मान लो कैपेसिटेंस सी है और इसके बारे में कह रखा है कि आर तो इसका नॉन जीरो है, बट इसका एल कितना है वो जीरो है। इसका मतलब एक आरसी डीसी आरसी एसी सर्किट आपके पास बन गया, और सोर्स के बारे में लिखा है कि इसका ओमेगा तो आपका वेरिएबल है पर इसका वोल्टेज कैसा है वो कॉन्स्टेंट है। अब कह रहा है कि अगर हम इस ओमेगा को इंक्रीज करें, इसके इंक्रीज होने पे इस बल्ब की ग्लो कैसे कम होगी या ज्यादा, वो अपने को पूछा जा रहा है। तो बल्ब की जो ग्लो होती है वो तो इसमें कितना पावर लॉस होगा, पावर कितना सर्किट में कंज्यूम हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो पावर हम पढ़ते हैं वो एवरेज पढ़ते हैं, वो होता है आपका आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो अब केवल अगर करंट के बारे में आर तो फिक्स है उसका, तो अगर करंट को अपन यहाँ ढंग से समझ ले पता कर ले तो आई आर एम एस का जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो आपका है कौन सा वी आर एम एस अपॉन कौन सा इसका जेड, जेड कितना है सर जी आर स्क्वायर प्लस वन बाई ओमेगा सी इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे। अब यहां से समझ लो इसको कि जब अपन ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो इसको अगर बढ़ाता हूं, देखो तो अगर मैं यहां इसको इंक्रीज करता हूं, यदि मैंने इसको इंक्रीज किया देखो इसकी इंक्रीज करने पर ये आपका वैल्यू होगा डिक्रीज, इसके डिक्रीज ये पूरा का पूरा नेट वैल्यू आपका हुआ डिक्रीज, और इसके नेट डिक्रीज होने पे आईआरएमएस हो गया आपका इंक्रीज, और आईआरएमएस के इंक्रीज होने पे पावर भी आपकी हो गई इंक्रीज। इसका मतलब इस बल्ब की चमक आपकी बढ़ जाएगी, ग्लो हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके बढ़े आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायग्राम shows a कैपेसिटर C and a resistor R connected in series to an AC source V1 and V2 are voltmeters and A is ammeter. तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक C है, ये मेरे पास एक R है, दोनों के सोल्डर में सीरीज में है और ये आपका दे रखा है एमीटर, जोड़ रखा है सीरीज में, ये V2 क्या पढ़ रहा है इस R का पोटेंशियल डिफरेंस, V1 क्या पढ़ रहा है C का पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो हम लोग जानते हैं सीरीज ऑर्डर में क्या होता है कि करंट तो चाहे सी की हो चाहे आर की हो वो तो सेम फेज में होती है, सी का करंट हो चाहे आर का सेम फेज में होता है. और रेजिस्टेंस भी अपन क्या पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस की जो करंट होती है इसका जो वोल्टेज वो तो सेम फेज में होता है भी. जो यहां सिंपल सी बात है कि जो करंट यहां फ्लो कर रही है वही करंट इसमें है, वही करंट इसमें यहां फ्लो कर रहा है. तो आई तो कौन रीड कर रहा है, ए. तो जो रीडिंग जो करंट सी से पास हो रहा है वही आर से पास हो रहा है, वही इस ए से पास हो रहा है. इसका मतलब करंट सी का हो चाहे आर का हो चाहे ए का हो सब के सब कैसे सेम फेज में है. पर सी अपन पढ़ते हैं कैपेसिटर में करंट अहेड, इसकी करंट वोल्टेज से अहेड होती है, ये दोनों आपस में सेम फेज में होते हैं. और अगर उसमें ग्राफ के रूप में अगर बात करें तो देखो आई चाहे आई आर हो चाहे आई आपका सी हो वो तो आपका आई है, वो तो फिक्स है. यहां मैं वी आर को से बढ़ता हूं और ये मेरे पास होते हैं वी सी. अब ध्यान सुनो ना, वी आर तो यहां पे कौन है, वी टू है. वी आर कौन सा बन गया, वी टू बन गया. और वी सी मेरे पास कौन सा बन गया, देखो वी वन बन गया. अब सारा आंसर आपके सामने पड़ा है. देखो वी टू और आई सेम फेज में है, वी टू और आई सेम फेज में, पर वी वन और आई तो 90 के फेज पे है ना, 90 के फेज पे. और उसमें भी वी वन कैसा करंट से 90 डिग्री आपका लेग बिहाइंड है, पीछे है. अब आप इसमें देखना, ध्यान समझना, ये कह रहा है कि कुछ कथन दे रखे हैं उसमें से आपको सही गलत है वो पहचानने और पहचानने भी कौन से सत्य कौन सा है वो देखना है. तो देखो ये कह रहा है कि रीडिंग इन ए एंड वी टू आर ऑलवेज इन फेज. तो जो रीडिंग ऑफ ए और ये जो आपका वोल्टेज V2 वो तो ओनली R का वोल्टेज पड़ेगा ना, तो V2 और I तो हमेशा कैसा सेम फेज में है, तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है. तो कह रहा है कि V1 और V2 के पाठांक रीडिंग ऑफ रीडिंग इन V1 इज अहेड इन फेज विद रीडिंग ऑफ इन V2. तो V1 की जो रीडिंग है वो V2 से कैसी आगे है, नहीं साहब V1 तो पीछे है, लेग बिहाइंड है, ये तो गलत हो गया. फिर कह रहा है कि रीडिंग इन A एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज, A और V1, नहीं साहब V2 और A के इन फेज में है, V1 और A के इन फेज में नहीं है, वो तो किस फेज में है, माइनस का 90 डिग्री पे है. इसलिए इसका सही आंसर से कौन सा गया, फर्स्ट आ गया. बढ़े आगे चलिए, ओके नेक्स्ट में आते हैं. देखो नेक्स्ट में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर नेगलेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग विल रेस्पेक्टिवली विल बी. ये कैसे होगा कि हमारे को ये दे रखा है कि इस सर्किट के अंदर नेगलेक्टिंग द सोर्स रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग विल बी रेस्पेक्टिवली. तो हमें यहां वोल्टमीटर दे रखा है, यहां एमीटर दे रखा है, हमें उनकी रीडिंग बतानी है. जैसा कि हम ध्यान से देखें तो XL और XC की वैल्यू सेम है, XL और XC की वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इसका मतलब है अगर मैं Z की बात करूं तो वो केवल किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर. 30 ओम. तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्योंकि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनके बीच में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर जो है वो जीरो वोल्ट पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, रिएक्टेंस ही नहीं है, तो फिर इसके ऊपर वोल्टेज कोई भी. इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ में आंसर आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए. अब हम जानते हैं कि हमारे को ये निकालना है कि एमिटर की रीडिंग क्या होगी. तो आई किसके बराबर होता है, वी बाय आर, क्योंकि जेड तो हमारा यानी ये इन दोनों के कारण जो रिएक्टेंस है वो तो कैंसिल हो गए. वी हमारे पास में 240 और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में 30. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 800. तो इसको देखते हुए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, फोर्थ इसका आंसर आपका सही हो जाएगा. हाँ साहब, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि देखा आपने को आर सी डी सी सर्किट है, तो इसे पूछा कि करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है. तो आप देखो जस्ट इसको ऑन दे रखा आपने, इसमें इसको ऑन करेंगे तो इसमें ये एक तरह से चार्जिंग का सर्किट होता है. तो चार्जिंग में होता है क्या कि करंट तो इसमें आपकी चार्ज तो होता है इंक्रीज, बिल्कुल चार्ज तो यहाँ एक्सपोनेंशियली होता है इंक्रीज, और करंट इसमें होती है डिक्रीज. तो आपको मालूम है कि एट टी इक्वल टू इनफिनिटी ये काम करता है एज ओपन सर्किट, तो करंट इसको घटनी होगी. तो करंट तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट कौन सा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा. फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन में. जी सर, तो अगर देखो हमारे को पूछा है इसमें कि इसमें वोल्टेज का वर्ग मान आपसे पूछ लिया. अगर हमको देखो पहली बात देखो, अगर कुछ नहीं लिखा तो एक साइकिल के लिए आपको निकालना पड़ेगा वर्ग माध्य मूल मान.
और ये कौन सा स्क्वायर करंट है, तो स्क्वायर करंट में क्या होता है कि जो इसका पीक वैल्यू है वो इस अपने छोटे से पार्ट का, अपने खुद के पार्ट का आरएमएस कितना है, इसका वी नॉट ही होता है। पहली बात तो आपको याद करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि स्क्वायर वाले में इसके अपने टी बाय टू टाइम तक का जो आरएमएस वैल्यू है कितना आपका वी नॉट है, और यहां तो जीरो है, तो इस वाले पार्ट का देखो, इस वाले पार्ट का देखो मैं वीआरएमएस उसको मैं वन मान रहा हूं, वी वन वो वीआरएमएस है तो कितना आपका वी नॉट है, इस वाले में कोई वोल्टेज नहीं है तो इसका वी टू जो कि मैं कह रहा हूं इसका अपने इस पार्ट का आरएमएस है कितना आपका जीरो है। अब सुनो, यदि हमें इनके पार्ट्स अलग अलग के पता हो और हमें ज्ञात करना हो इसके पूरे वन साइकिल का आरएमएस वैल्यू, तो उस केस में इसको अपन ऐसे करेंगे, पूरे साइकिल का वी आरएमएस क्या होता है कि इस पार्ट का वी आरएमएस कौन सा है, वी नॉट, इस वी नॉट का स्क्वायर इनटू इसका टाइम कितना टी बाय टू प्लस इस वाले का आरएमएस कितना जीरो उसका स्क्वायर इनटू इसका टाइम कितना टी बाय टू अपॉन टोटल टाइम कितना टी, इसका हम करते हैं रूट। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेंगे, नीट में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर एक पार्ट का आरएमएस मालूम हो दूसरे का मालूम हो तो पहले का स्क्वायर इनटू उसका समय, दूसरे का स्क्वायर इनटू उसका समय और फिर इसमें टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे पूरे साइकिल का, तो अपना आंसर आ जाएगा। उस केस में देखो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका हुआ कैंसिल बिल्कुल, और ये टी से टी भी आपका कैंसिल हो गया, तो इसको फिर अपन देखें तो वी नॉट अपॉन रूट टू आंसर इसका आ रहा है, वी नॉट अपॉन रूट टू 35 का आंसर आपका कितना 35 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है एक कैपेसिटर अ ट्रांसमिटर ट्रांसमिट एट अ वेवलेंथ ऑफ 300 मीटर अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 2.4 माइक्रोफैरड इज बीइंग यूज्ड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर द रेजोनेंट सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालना है एक रेजोनेटिंग सर्किट के लिए और हमें इसके लिए वेवलेंथ दी हुई है, तो हमें फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर अ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये होता है हमारे पास 1/2π√ तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है लैम्डा के फॉर्म में c/λ इसको मैं लिख सकता हूं c/λ, यहां पर ये ध्यान रखिएगा ये c हमारा कौन सा वाला c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है और ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछा है इसमें l पूछा है, तो अगर यहां बच्चा c और f की वैल्यू दे रख के उसको पुट कर देता है तो उसको आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए, कितना था आंसर इसको सॉल्व क्या था अभी, बिल्कुल सर अभी हमने इसको सॉल्व किया था और इसके लिए हमने l की वैल्यू जमा कर दी थी, आपकी पेन की और उसके पैर पर रखी बच्चे इसको आप खुद करेंगे आपका होमवर्क है ये, ओके बिल्कुल बड़े आगे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन, तो देखिए पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है, पावर फैक्टर हमारा होता है cos phi, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब ये phi is equal to 1 के बराबर होगा, यानी phi किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, आपको याद होगा ऐसी दो कंडीशन में होता है जब हमारे पास या तो केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो या एलसीआर सर्किट हो, लेकिन फिर वो कौन सी कंडीशन के अंदर हो, रेजोनेंस की कंडीशन, इसका मतलब x = xc, यानी इसका मतलब क्या होगा xl = xc, बिल्कुल सही था, ओके बढ़िया आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक कैपेसिटर ऑफर्स, तो सिंपल है xc इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, यस, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो xc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सो लेस रिएक्टेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में चोक कॉइल, कॉइल ऑफ चोक इन ए सर्किट, चोक कॉइल क्या करती है, धारा को कम करती है, कम करती है, करंट प्रोड्यूस करती है, एसी को ऊपर काम ही है, बिल्कुल काम ही, करंट को रिड्यूस करती है, इसको अपन बोलते करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको मालूम हो थोड़ा सा, तो ये अपना अंतिम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो क्यू फैक्टर वैसे होता क्या है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो आपका एक्सएल है और जो आपका आर है, रेजोनेंस कंडीशन में इसको कहता हूँ यहाँ पे एक्सएल आर, तो देखो ये आपका ओमेगा, ओमेगा r into l by कितना r, तो ओमेगा r अपने भी डिस्कस किया है, तो वो कितना था 1/√lc into कितना आपका l by r, अगर इस l को अपन अंदर लेकर के सॉल्व करेंगे तो इससे मेरे पास जो q वैल्यू आएगा वो आएगा 1/r into √lc। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि q गुणांक बढ़ता कब है, तो आप यहीं से थोड़ा चेक कर लो कि बढ़ाने के लिए l अधिक होना चाहिए, c कम होना चाहिए, r कम होना चाहिए, बिल्कुल सर कौन सा आंसर आया, सर देखिए अगर हमारे को क्यू फैक्टर बढ़ाना है तो हमारे पास में देखिए एल का मान क्या होना चाहिए ज्यादा और आर का मान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा लार्ज इंडक्टेंस एंड स्मॉल ओमिक रेजिस्टेंस, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट, ओके। तो इसी के साथ देखो हमने
एसी के आपको बहुत शानदार 40 क्वेश्चंस का लेसन दिया है, इनको आप देखो। और इस पूरे 40 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे टॉपिक को बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक आपका आरएमएस वगैरह उनसे होते हुए क्यू फैक्टर तक इसको पूरा डिस्कस करवा दिया गया है। इसको ढंग से एक बार नहीं दो बार देखें वीडियो को, और नीट में निश्चित रूप से आपका एक या दो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, सही होगा, ये हमारा प्रॉमिस है। अब इसी के साथ अपन इस एपिसोड को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सियासी, जय सियासी।